हमारे बीच कई डाणियों से भी, दूर दराज डाणियों से भी सभी कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं। समय अभाव के कारण नाम का उद्बोधन नहीं कर पा रहा हूं, मुझे क्षमा करिएगा। सभी को अपने आप में आज के इस प्रांगण में सम्मानित मानते हुए, अति विशिष्ट मानते हुए अपने स्थान पर सुशोभित रहिएगा। हमारे पार्षद रहे अन्नाराम जी रेगर भी हमारे बीच आ चुके हैं, जुगल जी शर्मा हमारे बीच हैं, तो आए। दो मिनट का समय है, अगर उद्बोधन देना चाहें तो। जुगल जी शर्मा, पुसराम जी गोदारा मंदिर में दर्शन करने गए हैं, कुछ ही पलों के बाद हमारे बीच होंगे। नहीं, ओम जी का कन्ने है ना, चतुर्भुज का कन्ने बैठे। अरे यार यहाँ मत करो। जुगल जी शर्मा। सम्माननीय छापर के नागरिक बंधुओं और मेरे साथियों, 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस टाइम बीजेपी के ये शीर्ष नेता ये बोले थे कि कांग्रेस को आपने 60 साल दिया है, मेरे को 60 महीना दीजिए। और जनता ने भरपूर सेवा करके और इनको 60 महीना दिया। और 60 महीने में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये आप सबको अच्छी तरह से ज्ञात है। उसके बाद फिर दोबारा चुनाव हुआ, देश का कहीं विकास नहीं हुआ, और इन्होंने कहा कि 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया। तो भाइयों, रेलवे भी 2014 के बाद बनी थी, तो साथियों रेल लाइनें भी 2014 के बाद बनी थी। हिंदुस्तान में जितने एयरपोर्ट बने थे वो भी 2014 के बाद बने थे, और जितने हॉस्पिटल बने थे, एम्स बने थे, भाखड़ा नरगल बांध बना था, ये सब उन्होंने, बीजेपी ने 2014 के बाद ही बनाए थे। कांग्रेस ने विकास नहीं किया कुछ भी। सड़कें बनी थी, आज इन सड़कों पे आप चल रहे हो वो सड़कें इन्होंने ही बनाई थी। और 2014 के बाद में इन्होंने वही चीज बेचनी शुरू कर दी। जब आपने बनाई थी तो आप उन्हें बेच क्यों रहे हो? सारे एयरपोर्ट बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, और तेल बेच रहे हैं, इन्होंने सारे बेच दिए। अरे विकास कराया था जवाहरलाल नेहरू ने, विकास कराया था इंदिरा गांधी ने, इन्होंने क्या विकास कराया? अब राजस्थान का चुनाव हो रहा है तो हम लोग क्या देखेंगे? गांव का चुनाव देखेंगे, राजस्थान का चुनाव देखेंगे। ये लोग बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का चेहरा देख के चुनाव कीजिए। अरे नरेंद्र मोदी का चेहरा जिससे अग्नि को साक्षी मान के जिसने फेरे लिए थे, वो आज 20 साल से वो चेहरा देखने के लिए तरस रही है, और हम उनका चेहरा देखें क्या है उस चेहरे में? हम उसका चेहरा देखने के लिए नहीं आए, हम विकास देखने के लिए आए। और अशोक गहलोत ने जो काम किया है, जो योजना की है, जो गारंटी दी है, अरे 10 गारंटी उन्होंने पूरी की है और 7 गारंटी वो और दे रही है अशोक गहलोत सरकार। और 7 गारंटी अगर मिल गई है तो यहां पे चमन हो जाएगा, ये जनता को सोचने की बात है। उसके बाद में तो दोस्तों अपने बीच हमारे उम्मीदवार श्री पुसराम जी गोदारा पधार गए हैं, उनका बहुत बहुत तालियों से स्वागत कीजिए।
और सभी भाई जो बाहर हैं वो कृपया करके अंदर पधार जाए और मैं आपसे एक ही अनुरोध करता हूं कि आगामी 25 तारीख को विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग पधार कर और कांग्रेस को हाथ के पंजे पे मोर लगा करके कांग्रेस को विजय बनाइए और राजस्थान का विकास कीजिए। राजस्थान का विकास होगा तो अपना भी विकास होगा। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट गिराए और हाथ के पंजे पे वोट गिरा करके और कांग्रेस को यहां से विजय बनाए और सब जगह से विजय बनेगी तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और सरकार बनेगी तो आपकी जो 10 गारंटी पूरी हुई है और उसके बाद जो अशोक गहलोत ने 7 गारंटी और दी है ये 7 गारंटी भी आपकी 5 साल में पूरी हो जाएगी। जय हिंद जय भारत। हमारे रतनगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी लोकप्रिय प्रत्याशी श्री पुषाराम जी गोदारा साहब हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। इनके स्वागत के लिए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट। एक बार गोदारा साहब आपका नगर कांग्रेस कमेटी छापर की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन। हमारे समाज सेवी श्री विनोद जी बंसाली हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत वंदन। बहुत से हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन। हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता मोहनलाल जी ओझा हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन वंदन। अब मैं निवेदन करता हूं, हमारे मंच पे आसीन हो चुके हैं चाड़वास के युवा कार्यकर्ता गोविंद बारेठ हमारे श्री बंसाली जी छापर से, हमारे पार्षद श्री मुमताज जी खिलानिया वरिष्ठ कार्यकर्ता, और मैं मंच पे आसीन होने के लिए निवेदन कर रहा हूं श्री छोटू जी मेघवाल। छोटू जी मेघवाल मेरी आवाज सुन रहे, आप मंच पे बजा रहे, आपका स्वागत अभिनंदन वंदन। हमारे पार्षद सतनान जी स्वामी, मुमताज जी कादरी, दीवान सिंह जी वानीश्रिया साहब हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका स्वागत अभिनंदन वंदन। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ छापर नागर कांग्रेस कमेटी की तरफ से मुमताज जी कादरी आप मंच पे आसीन होने के लिए पधारे। सतनान जी स्वामी, चंदन खान जी आप मंच पे पधारे, हमारे नगर पालिका के कांग्रेस के पार्षद हैं चंदन खान जी, मोतीराम जी मेघवाल, मोतीराम जी मेघवाल साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता आप मंच पे पधारे। पीरदान जी नाई मास्टर जी आप मंच पे पधारे। पीरदान जी नाई मास्टर जी, बाबू खान जी फौजी, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता व नगर पालिका पार्षद श्री पुषराज जी शर्मा के प्रतिनिधित्व रूप में मैं जुगल जी शर्मा भाई जी को अनुरोध करता हूं कि आप मंच पर पधारे। राधेश्याम जी स्वामी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता है, आप भी मंच पर आए। राधेश्याम जी स्वामी, मगाराम जी खटीक मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप मंच पे पधार हैं मगाराम जी खटीक। सेवाराम जी कड़ेला भाई मोती बावरी पार्षद, विजेंद्र जी दुदेड़िया, विजेंद्र जी दुदेड़िया
हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता अन्नाराम जी रेगर, आप सभी उपस्थित हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत वंदन। दीक जी डूटी और रूप जी मोहिया भी हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन। आज बहुत ही छापर के लिए एक लोकतंत्र के पर्व चुनाव में आज इस प्रधान कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इंदिरा गांधी की जयंती भी, उसकी फोटो मंगाना। इंदिरा जी का आराम से मंगा, इंदिरा जी की जयंती है तो फोटो मंगवा ले, पोस्टर डालो। रामेश्वर जी बेनीवाल, पूर्व नगर अध्यक्ष, हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। डूंगरदास जी स्वामी, स्वागत है। डूंगरदास जी स्वामी, आपका भी स्वागत अभिनंदन वंदन। बाबूलाल जी सोनी, बाबूलाल जी सोनी हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। तो आज के इस चुनावी आगाज, चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, आगामी 25 तारीख को हमारे यहाँ मतदान होगा और ज्यादा से ज्यादा हमें कांग्रेस के हमारे उम्मीदवार श्री फूसाराम जी गोवारा हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे इस पेडीवाल धर्मशाला में कार्यालय का उद्घाटन विधिवत अब हो चुका है और हम सब कार्यालय के प्रांगण में हैं। अतः आप सभी का और पधारे हुए पूसाराम जी गोदारा के साथ आए हुए सभी का इस प्रांगण में नगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन। सभी पिछले 5 साल की जो हमारे गहलोत साहब की कांग्रेस की सरकार रही, उसमें सभी कल्याणकारी योजनाएं आप और हमसे कोई छुपी हुई नहीं है और सरकार ने अच्छा शासन किया और एक आगामी 5 साल के लिए हमें और उम्मीद है। ये भीड़ बता रही है कि जनमत और जनमानस जो है वो आगामी सरकार और हमारे पूसाराम जी गोदारा के नेतृत्व में यहाँ विधानसभा का प्रतिनिधित्व विधानसभा में हो, ये भी आज की इस भीड़ से जाहिर हो रहा है। आज की संख्या बल से यह भी जाहिर हो रहा है कि छापर में 36 कौम जो है वो कांग्रेस को पहचान चुकी है, कांग्रेस के उम्मीदवारों को पहचान चुकी है, कांग्रेस के सीएम को पहचान चुकी है, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को पहचान चुकी है और एक उम्मीद लगाए हुए बैठी आगामी 5 साल के लिए। और उसी श्रृंखला में आज हम यहाँ इस कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। पूसाराम जी जेता सर सरपंच ओजला साहब, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत वंदन। और अब मैं आज की इसमें ज्यादा मगराम जी खटीक भी हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका भी स्वागत वंदन अभिनंदन। अब मैं ज्यादा औपचारिकता न करते हुए, हालांकि बहुत विलंब कर चुके हैं, अब मैं हमारे नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई श्री रामकंद जाट से अनुरोध करता हूं आप मंच पर आए और हमारे नगर रतनगढ़ विधानसभा के लिए मैं पहले स्वागत की श्रृंखला में निवेदन करता हूं हमारे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी श्री पूसाराम जी गोदारा का स्वागत करेंगे छोटू राम जी कांटीवाल, मुमताज अली जी कादरी जी और डूंगरदास जी श्यामी, आप तीनों आए और गोदारा जी का साफा पहनाकर, माला पहनाकर, दुपट्टा पहनाकर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत कर। मैं नगर अध्यक्ष रामकर्ण जाट भाई से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी गोदारा साहब को गोदारा साहब के स्वागत के लिए आप तीनों चारों मंच पर पधारे साफा माला और दुपट्टे से।
छोटराम जी पिराओ छोटूलाल जी माला पहनाए। कादरी साहब साफा पहनाए। और आगे को दीवान जी ने दीवान दीवानी सरिया नाम बोले ठीक हो आगे की दीवानी सरिया ने बाबू खान जी बोल दिया तो चंदन खान जी बोल दिया लिख लिख रामगुरु बोल दिया साहब प्रधान की दर्जी बांगड़ जाओ साहब देवी गिरधारी जी बांगड़वा पूर्व प्रधान रतनगढ़ आप भी हमारे बीच हैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत वंदन। हाँ। सेवा दल के अध्यक्ष जी भी आप पुषाराम जी को मालार्पण स्वागत। पूर्व प्रधान गिरधारी जी बांगड़वा आ गया। हाँ। बांगड़वा जी पूर्व प्रधान गिरधारी जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत वंदन छापर नगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से। दीवान सिंह जी वानीसरिया साहब के लिए मैं अनुरोध करूंगा। अन्नाराम जी रेगर पीरदान जी नाई चंदन खान जी दीवान सिंह जी वानीसरिया जी के स्वागत के लिए। जोगलिया के मोहननाथ जी सिद्ध हमारे बीच हैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत वंदन। हमारे रतनगढ़ के गिरधारी जी बांगड़ा को स्वागत के लिए प्रकाश जी नाई भी आप मंच पे पधारे हैं स्वागत हेतु। मैं अनुरोध करूंगा मांगीलाल जी मेघवाल गिरधारी जी बांगड़वा के हार्दिक अभिनंदन स्वागत के लिए। मांगीलाल जी मेघवाल सेवाराम जी कड़ेला माला देव भाई कार्यकर्ता हूँ माला देव यार माला पकड़ाते रहो महेंद्र सेवाराम जी कड़ेला वो फोन पे बात कर। हाँ और एक और नाम बता ब्रजदान जी चारण मेरी आवाज सुन रहे हैं पुषाराम जी गोदारा साहब का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे। ब्रजदान जी चारण सामोर साहब हमारे विनोद जी भंसाली समाज सेवी छापर का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। और के को एक तो इको करा गोविंद बारठ के लिए मैं हंसराज कुलरिया से निवेदन करूंगा कि आप गोविंद बारठ को माला प्रदान कर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। प्रभु राम जी कालवा मेरी आवाज सुन रहे हैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन। नानू राम जी कुलरिया जाट सभा महाध्यक्ष यहाँ पे हैं आप मंच पे आए। मैं अब आए हुए सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए समय ज्यादा न लेते हुए बाकी सब हमारे राधेश्याम जी स्वामी का हमारे मुमताज अली किलानिया जी के स्वागत के लिए आजम जाया मारा। स्वागत की श्रृंखला के बाद अब मैं पुषाराम जी गोदारा जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करता हूं हमारे वार्ड पार्षद सत्यनारायण जी स्वामी से श्री नथु जी हरिजन से श्री विनोद जी वेद विनोद जी बंसाली आप भी पुषाराम जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। माला वहां रखें आप माला वहीं पास खड़े रखें। राधेश्याम जी स्वामी पीरदान जी नाई आप सभी मेरी आवाज सुनते सुनते आते जाएं और
स्वागत श्रृंखला में जगदीश जी भंडारा आप गोदारा जी का स्वागत, हंसराज कुलहरी, नेमीचंद पार्षद, ओम प्रकाश जी पार्षद, अख्तर मनोनीत पार्षद, संजय जी अग्रवाल हमारे मनोनीत पार्षद, श्याम बाबू जी शर्मा हमारे उपस्थित हैं तो नहीं, चतुर्भुज भाई जी आ जाएं, वीरेन खान हमारे पार्षद प्रतिनिधि, विजेंद्र जी धुवेड़िया, पवन जी रतावा, मोती जी मेघवाल, आजम पार्षद, आजम खान हमारे पार्षद, बाबूलाल जी सोनी, कैलाश जी रतावा, रमेश जी माली, गोपाल जी भार्गव, श्री राधेश्याम जी रतावा भी हमारे बीच उपस्थित हैं, हार्दिक स्वागत अभिनंदन, ओम प्रकाश जी बंडवाला जी हमारे बीच उपस्थित हैं, हार्दिक स्वागत अभिनंदन, आप भी पधारे हैं गोदारा जी के स्वागत सम्मान के लिए, मोहम्मद अख्तर पार्षद हमारे, महेंद्र जी कामड़, मांगीलाल जी लीलगर, आकूब जी तेली हमारे बीच बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, आकूब जी तेली आप पधारे हैं गोदारा जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत, संतोष जी सोनी, ओम प्रकाश जी बंडवाला आप प्लीज आपका पधारे, आप पधारे गोदारा जी के स्वागत के लिए, आइए 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 पधारे पधारे पधारे, आइए 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 आइए, उठे उठे आइए 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 आइए, स्वागत अभिनंदन, जोरदार तालियों से, तालियों की गड़गड़ाहट कम क्या, हमारे युवा साथी कार्यकर्ता भाई श्री मनोज सोनी आपका अभिनंदन स्वागत वंदन, नगर कांग्रेस कार्य कमेटी की तरफ से, महेंद्र जी सोनी आप भी मंच पे पधारे हैं स्वागत समारोह के लिए, गोदारा जी, मांगलाल जी पटवारी साहब हमारे, मांगलाल जी तंवर, मांगलाल जी माली, देवी प्रसाद जी लाउटी, देवी प्रसाद जी लाउटी ये हृदय परिवर्तन करके कांग्रेस में पधारे हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत वंदन, गोदारा साहब को माला पहनाते हुए, मगर राम जी खटीक आप मंच पे जाएं गोदारा साहब के अभिनंदन के लिए, संपत जी माली, नेकदास जी स्वामी, सफी मोहम्मद फौजी साहब, ब्रजान जी सामोर साहब पधारे, बालू जी खाती, ब्रजदान जी सामोर साहब पधारे, प्रकाश जी नाई हमारे बीच हैं, मुझे दिखे भी थे आप पधारे, बीग जी डूडी साहब हमारे पार्षद पूर्व, सुमित शर्मा युवा कार्यकर्ता आईटी कार्यकर्ता सुमित शर्मा, हरीश जी स्वामी हमारे बीच पधारे स्वागत अभिन, मनोज ईश्राम भाई, मनोज ईश्राम आप पधारे, राधेश्याम जी रतावा, संजय लीलगल, रामनिवास नाई, रामनिवास जी नाई हमारे कार्यकर्ता युवा जोशीले कांग्रेसी, संजय लीलगर, भगवान जी शारण, बालूराम जी खाती, छोटू राम जी मेघवाल, सेवाराम जी मेघवाल, बेगाराम जी मेघवाल, रामलाल जी मेघवाल, पिता राम जी मेघवाल, श्री भगवान जी प्रजापत, श्री भगवान जी प्रजापत आप पधारे, गौतम जी मेघवाल, अशोक जी तंवर एचपी गैस एजेंसी, मदन जी नायक, अखाराम जी भाटिया, संजय जी सोनी, केशाराम जी कांटीवाल, हासम जी खिची और रजाक जी खिची और सदीक जी खिची और मुमताज जी नीलगर आप पधारे, ईदुद्दीन जी लखारा पधारे, फूल मोहम्मद जी हमारे बीच हैं आप पधारे, बहरू खान जी दादी जी हमारे बीच हैं जनाब, बहरू खान जी पधारे, अब्दुल अजीज, फूसराज जी सोनी, बद्रुद्दीन जी दादी, बिरदीचंद जी करवा, बिरदीचंद जी करवा, लाल जी काजी, केसरी राम जी कांटीवाल जी, रूढ़ बख्श जी काजी, नारायण मेघवाल, जनाब असगर काजी और भगवान राम जी बावरी, बजरंगलाल जी पांड्या हमारे बीच उपस्थित हैं, ओम प्रकाश जी सिद्ध हमारे बीच उपस्थित हैं, कांग्रेस कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत, राजू जी गुलेरिया, भगवान जी सिद्ध, भगवान जी सारण साहब, भगवान जी सारण, गोपीदान जी चारण हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता और भाई किशन गोपाल जी भी दिखे थे
मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत। जित्तू खान जी दाढ़ी भी मुझे दिखे, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। हबीब खान जनाब हबीब खान, डूंगर जी मेघवाल साहब, कालू जी खिच्ची, भगवान जी सारण माला पहना है, देहात अध्यक्ष कालूराम जी मेघवाल हमारे बीच आए हैं, बाबूलाल जी सोनी, पृथ्वीदान जी चारण, प्रभु जी कालवा, प्रदीप जी दुदेड़िया हमारे वरिष्ठ अच्छे सच्चे नेक ईमानदार कार्यकर्ता, मान सिंह जी ठाकर साहब हमारे बीच हैं, हमारा सौभाग्य है, आपका स्वागत अभिनंदन वंदन। आंको के नाम आ चश्मा रहा हो दिली आंको बाबूलाल जी सुनी नहीं कांग्रेस को समर्थन दिया। बाबूलाल जी सोनी जो कि अपना हृदय परिवर्तन करके और आज और कांग्रेस ज्वाइन करी है। मैं गोदारा साहब से निवेदन करता हूं कि बाबूलाल जी सोनी के गले में माला और दुपट्टा पहना के कांग्रेस ज्वाइन करवाएं। गोदारा साहब ये बाबूलाल जी सोनी हैं, इन्होंने आज आपके सानिध्य और अशोक जी के सानिध्य में, गहलोत साहब के सानिध्य में, कन्यालाल जी कड़ेला, कालू भाई जी, अरे कालू जी टेली बोल दे, हेलो कालू भाई कर दियोगे? कराऊं, अरे बंटी लाइट, हेलो जीत भाई, हाँ प्रदीप गिवारिया बोलो ना, प्रदीप जी गिवारिया, पन्नालाल जी कड़ेला मंच पे आए, सुशील जी सोनी, मगनाराम जी हरिजन, थाना राम जी मेघवाल, लाइट गई, भाषण में पहली दीवान जी धीरा क्या है, दीवान जी गोविंद, हाँ गोविंद विनोद भाई जी, गोविंद जी बांगड़ बांध देते, हेलो हाँ ला नाम बोल, पीथाराम जी मेघवाल मनोनीत पार्षद, सलीम खान जी चौबदार, आंकु भाई जी को मोती राम जी हरी जी सेसमा, जोहर जी जानी, सलीम जी चौबदार, आप इसी क्रम में आते जाएं, माननीय श्री पुषाराम जी गोदारा जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते जाएं, रामलाल जी मेहरड़ा, मुंशी जी खिच्ची, जगदीश जी गिवारिया और डूंगराम जी मेघवाल, आप मंच पे आते जाएं, ओम जी सिद्ध, हरिराम जी शर्मा साहब, भाई हिरची सेसमा, गोदारा जी का स्वागत अभिनंदन वंदन, भगवान राम जी नाइक, नाम का ही नाम है एक ही बात नहीं, नाम बोल कैलाश जी दत्तावा,
कैलाश जी रतावा गोदारा साहब को, छगनलाल जी रेगर, भागीरथ जी रोलन, ओम जी नाई, अरे ओम जी नाई हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, माफी चाहूंगा, ओम जी नाई कांग्रेस कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, आपका नगर कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन पुषाराम जी गोदारा जी को, महेश कांटीवाल, पुषराज जी सोनी, आप क्रम से पधारते जाएं, स्वागत अभिनंदन के लिए, रूपाराम जी खटीक, दिलीप जी दांडी मंच पे आते जाएं, गोदारा जी के स्वागत अभिनंदन के लिए। आज हमारे इस कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के इस अवसर पर धनराजी भार्गव, रामलाल जी मेघवाल, अमरा राम जी कांटीवाल, भवनलाल जी वाल्मीकि, हमारे राजू भाई जी प्रसिद्ध नव भारत टेलर्स आप पधारे, गोदारा साहब का हार्दिक अभिनंदन वंदन, राजू भाई जी, राजकुमार जी दर्जी, नव भारत टेलर्स, राजा राम जी कांटीवाल, छोटू राम जी कांटीवाल, राजा राम जी कांटीवाल, अरे किशन जी मंडा, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता किशन जी मंडा आप पधारे, स्वागत अभिनंदन, भाई सुशील जी जड़िया, रामकंड जी मेडिकल बालाजी मेडिकल स्टोर, रामकंड जी सियाड पधारे, मैं विलंब के लिए माफी चाहूंगा, दिनेश जी हरिजन, भिकाराम जी दैया, भिकाराम जी सियाग, असगर जी काजी, भाई पन्नालाल कड़ेल, भवनलाल जी सियाग, सुमित शर्मा, दाना राम जी बिजारनिया, राजा राम जी मेघवाल, मदन जी नाई आप बता रहे, राजू राम जी सिंहवर, राजा राम जी, मोतीलाल जी, भाई मोतीराम बावरी हमारे वार्ड पार्षद, कर्मठ कार्यकर्ता, वार्ड के रीढ़ की हड्डी और बस स्टैंड के जुझारू नेता, जोरदार तालियों से भाई मोतीराम मेरा, धनाराम जी डूकिया, सुमित चौबदार, रामनिवास ओजला, पिताराम जी कांटीवाल, भंवर जी सियाग साहब हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, गोदारा जी को मालार्पण स्वागत, जगदीश जी दैया, आप इधर जो कार्यकर्ता खड़े हैं थोड़ा सा आगे व्यवस्थाओं में चले जाएं, अपना स्थान ग्रहण करें, अभी संबोधन उद्बोधन शुरू होगा, हरीश सारण, नारायण सिंह जी राजपूत, बाबूलाल जी महिला चीनिया, बाबूलाल जी और हमारे जगदीश जी नाइक। अब मैं एक मिनट का विशेष निवेदन करूं, जिनके गोपाल जी माली, अब मैं आपसे विशेष निवेदन करूं कि जिनके नाम रह गए हैं मानवीय भूल के कारण, तो आप जिस किसके मन में श्रद्धा और सम्मान है तो आप खुद मंच पे आए और गोदारा जी को मालार्पण कर स्वागत करें, मानीलाल जी पूनिया खालिया से पधारे हैं, पुणे में कहता हूं गोदारा साहब के छापर में नगर कमेटी के इस कार्यालय में स्वागत हेतु किसी का भी मन है आप मंच पे पधारे, आपका स्वागत अभिनंदन वंदन, गफार जी इलाही,
गफार जी लाई। अब आज के इस चुनाव के विधि में 25 तारीख को जो मतदान होगा, हमारी कांग्रेस पार्टी और हमारे विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ के कांग्रेस प्रत्याशी गोदारा साहब हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। मंच सुशोभित हो चुका है, प्रांगण सुशोभित हो चुका है। अब हमें तल्लब है, जिज्ञासा है कि हम उद्बोधन में, अरे कालूराम, माफी चाहूंगा, कालूराम जी मेघवाल देहात अध्यक्ष हमारे बीच पधारे हैं। मैं भाई रामकंड से अनुरोध करता हूं माला अर्पण कर अभिनंदन स्वागत करें। बसंत जी बंसाली हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। सभी हमारे प्यारे मौजी सम्मानित कार्यकर्ता, युवा बुजुर्ग, आप सभी एक बार यहाँ प्रांगण में विराजे ताकि सभा हम कार्यक्रम शुरू करें, बोलने का भी आनंद आए और सुनने का भी आनंद आए। आप थोड़ा सा प्रांगण में विराजे। पूछराज जी सिद्ध हमारे बीच आए हैं, आपका स्वागत अभिनंदन। अब मैं सवोनन की तरफ चलते हैं। स्वागत सम्मान समारोह हो चुका और माफी चाहूं अब किसी के नाम बचे हैं तो मुल्ला राम जी खेरिया बोथिया से पधारे हैं, स्वागत वंदन। बानी राम जी मेघवाल भी आए हैं हमारे बीच, स्वागत अभिनंदन। परमेश्वर जी जांगीर हमारे बीच हैं। इस बार गोदारा जी के प्रत्याशी बनने पे, टिकट मिलने पे जनता में अपार उत्साह और जोश है। उसी का परिणाम है कि हर कार्यकर्ता इनका स्वागत अभिनंदन करना चाहता है। मन्नालाल जी खट्टी मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप आए, आप स्वागत करेंगे। हमारे जन अभाव अभियोग के सदस्य भाई श्री रामलाल जी शर्मा, रामजी लाल जी शर्मा सालासर से हमारे बीच पधार चुके हैं। वीरू जी कुर्सी लगो। एक जन अभाव अभियोग के सदस्य श्री रामलाल, रामजी लाल जी शर्मा सालासर से हमारे बीच पधारे हैं और बीकानेर संभाग के प्रभारी भी हैं। आप पधार चुके हैं, आपका अभिनंदन स्वागत वंदन। मैं भाई वीरू कलाल से निवेदन करूंगा कि इनके स्वागत के लिए आप पधारे। बानीराम जी मेघवाल पूर्व अध्यक्ष रहे हमारे, मैं निवेदन करता हूं भाई आजम से, आजम खिची से बानीराम जी का स्वागत अभिनंदन वंदन करे। रामजी लाल जी शर्मा के यहाँ पहुंचने पे हमारी सभा को चार चांद लग गए और भी हमारे बहुत सारे वरिष्ठ सीनियर युवा दोसले गांव गांव ढाणी ढाणी गलियों नुकरों से निकल के आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत आप सभी का और गोदारा जी का। अब आप आज्ञा दे तो अपन संबोधन की तरफ चले, नहीं तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा क्योंकि अपार जनसमूह ऊपर चुका है हमारे इस आज के इस कार्यालय उद्घाटन में। एक बार मैं जयकारा लगवाऊं और फिर संबोधन की श्रृंखला में। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, गोविंद सिंह डोटासरा जी जिंदाबाद, गोविंद सिंह जी डोटासरा जिंदाबाद, गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद, और हमारे रतनगढ़ के प्रत्याशी ताऊ श्री पुषाराम जी गोदारा जिंदाबाद, पुषाराम जी गोदारा जिंदाबाद, पुषाराम जी गोदारा जिंदाबाद। अब मैं रतनगढ़ के प्रधान रहे हमारे बांगड़वा जी से अनुरोध करूंगा कि आज की इस सभा संचालन से पहले मैं अनुरोध करता हूं हमारे नगर कांग्रेस कमेटी के नगर अध्यक्ष श्री भाई रामकंद जाट से कि आज की इस शानदार सभा का उद्बोधन स्वागत
गोदारा जी के इस कार्यालय के उद्घाटन पे इस अवसर पर दो शब्द संबोधित करें श्री रामकरण जाट। सबसे पहले मेरा निवेदन है जो भी यहाँ पे सामने खड़े हैं वो सामने बैठ जाएं। निवेदन है सभी से हाथ जोड़ के प्लीज व्यवस्था बनाए रखें। जो गेट के बाहर खड़े हैं उनसे भी निवेदन है कि आगे आ जाए, अपने पास जगह है। कार्यक्रम को सुंदर और सफल, कार्यक्रम अच्छा लगना चाहिए, मैसेज है गांव में कस्बे में विधानसभा में अच्छा जाना चाहिए कि एकदम शांतिपूर्वक कार्यक्रम हुआ। सभी से निवेदन है कि सामने आ जाए। जो बाहर खड़े हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि अंदर आ जाए। जो बाहर सड़क पे खड़े हैं उनसे निवेदन है कि अंदर आ जाए। राजस्थान विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, उसी के क्रम में आज रतनगढ़ विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमान तुषाराम जी गोदारा हम सब के बीच छापर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए पधारे हैं। मैं नगर कांग्रेस कमेटी छापर और तमाम कस्बे की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उनके साथ पधारे हुए पीसीसी सचिव रामजीलाल जी शर्मा, पूर्व उप प्रधान सुजानगढ़ दीवान सिंह जी भानीसरिया, पूर्व प्रधान गिरधारीलाल जी बांगड़ुआ, गोविंद सिंह जी बारहट और देहात ब्लॉक अध्यक्ष कालूराम जी मेघवा और तमाम कस्बे के प्रभुजन वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सामने उपस्थित मेरे नौजवान साथियों पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरा आपसे सभी से एक ही विनम्र निवेदन है कि आने वाली 25 तारीख को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पुरजोर वोटिंग करके कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएं। आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। 5 साल में अशोक गहलोत जी की सरकार ने जो जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई है अपन को उनका प्रचार प्रसार करना है। अपन उनका प्रचार प्रसार करेंगे तो काम पर वोट मिलेंगे। अपने को काम इतना किया है जो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। तो मेरा सभी से निवेदन है कि अपने अपने वार्ड में कस्बे में बूथ पर घर घर जाके महिलाओं को बच्चों को सबको वरिष्ठ नेता जो नागरिक है उनको अपने को समझाना है कि जो जनकल्याणकारी योजना है उनको निरंतर आगे चालू रखना है और जो 7 गारंटी कांग्रेस पार्टी ने दी है वो सरकार आते ही राजस्थान में लागू की जाएगी। इसके लिए अपन को घर घर प्रचार करना है। मेरा सभी से निवेदन है कि सब एक एक पुषाराम बनके पुषाराम खुद बन जाओ। एक एक मैं या पुषाराम जी आप अकेले सब जगह नहीं जा सकते, लेकिन एक कार्यकर्ता एक एक पुषाराम बनके काम करेगा तो अपन एक एक घर को जैसे वार्ड में अपन चुनाव लड़ते हैं ना अपन घर घर एक कर देते हैं, उसी तरह छापर कस्बे में सभी लोग घर घर होके सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि घर घर होके कांग्रेस पार्टी का प्रसार करें और 25 तारीख को कांग्रेस के पक्ष में भरपूर मतदान हो सके उसके लिए अपने को संकल्प लेके जाना है। आज एक छोटे से आह्वान पर आप इतनी बड़ी तादाद में पधारे उसके लिए मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और छापर कस्बे में पुषाराम जी गोदारा और उनकी संपूर्ण टीम का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करना चाहूँ। धन्यवाद। अब मैं गिरधारी जी बांगड़ा से निवेदन करना चाहूंगा कि वो अपने उद्बोधन दे। आज छापर नगर पालिका के इस कार्यालय उद्घाटन में हमारे सबके चेहरे किसान नेता हमारे आदरणीय पुषाराम गोदारा जी मंच पे विराजमान, बामासा समाज सेवी आदरणीय बड़े भाई विनोद बंसाली जी मंच पे विराजमान, हमारे सुजानगढ़ पंचायत समिति के पूर्व प्रधान वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य और सरपंच श्री दीवान सिंह राठौर जी, हमारे मंच पे विराजमान भाई गोविंद बारड़ जी और हमारे रतनगढ़ देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई कालूराम मेघवाल जी और मंच पे विराजमान हमारे आदरणीय बड़े भाई पीसीसी के सचिव श्री रामजीलाल जी शर्मा जी, मंच पे विराजमान हमारे आलसर के सरपंच भाई बानीराम मेघवाल जी, मंच पे विराजमान हमारे किलानिया जी, सम्मानित मंच, आप सबको पता है कि आने वाली 25 तारीख को राजस्थान की विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव दो विचारधारा का है मेरे साथियों, एक विचारधारा वो जो किसान और मजदूर विरोधी है, एक विचारधारा वो जो किसान और मजदूर और गरीब के लिए गणेश मानकर काम करने वाली सरकार है वो हमारे राजस्थान की कांग्रेस की सरकार, राजस्थान के सदस्य मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। आज वो सौगात हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने
आम जन किसान और मजदूर और युवाओं के लिए महिलाओं के लिए जो योजनाएं लागू की है वो भूतों ने भविष्य थी। हिंदुस्तान का कोई भी मुख्यमंत्री इतना बड़ा काम नहीं कर सकता जितना बड़ा काम राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया। आज मेरे सामने जो बुजुर्ग बैठे हैं गरीब आदमी गांव में भी वे शहर में भी वे भूमिहीन गांव में भी बसते हैं और शहर में भी बसते हैं, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जब जब वो सत्ता में आए तो जो हमारे सफाई कर्मचारी की भर्ती है वो हमेशा कांग्रेस के राज में हुई है। ये बीजेपी के लोग सिर्फ टेंडर का काम करना जानते हैं कि इसे टेंडर पर छोड़ दिया जाए, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सोचा कि अगर हम इसका टेंडर कर देंगे तो ना इनके पास जमीन है ना इसके पास बड़ा कोई व्यापार है, ये लोग कहां जाएंगे। ये सोच और नीति रखने वाला कोई व्यक्ति है तो वो कांग्रेस की सरकार और राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आज हम बात करें जो हमारे सामने सारे युवा शक्ति बैठी है, आज 3.5 लाख नौकरी अगर किसी एक सरकार में दी है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 3.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है और 1 लाख युवा जो लाइन में खड़े हैं जैसे ही सरकार बनेगी उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। आज हमारे अशोक गहलोत जी ने जो आसपास के जो लोग खड़े खेत और खलियान में काम करते हैं, किसी ने सपना लिया था कि मेरा बेटा इंग्लिश पढ़े, इंग्लिश मीडियम में उसका बेटा पढ़ता था जिसके पास या तो कर्मचारी है या फिर कोई बड़ी संपत्ति है या कोई बड़ो बिजनेस है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने यह सपना लेकर राजस्थान में काम शुरू किया कि गांव डाणी खेत खलियान वार्ड और मोहल्ले में गरीब के व्यक्ति भी इंग्लिश मीडियम में पढ़े। यह नियत लेकर आज हमारे सब जगह इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का काम राजस्थान की सरकार ने किया है। एक से बढ़कर एक योजना जो युवा साथी खड़े, आप सबको पता है कि राजीव गांधी खेल ओलंपिक का काम शुरू हुआ, राजीव गांधी खेल ओलंपिक में जिसने भी नेशनल खेला है जिसकी योग्यता 10वीं से लेकर जितनी MA ST जो भी योग्यता थी अगर जिसने नेशनल खेला उसको सरकारी नौकरी देने का काम राजस्थान की कांग्रेस की सरकार और राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करे। आप लोगों से मेरा यह निवेदन है कि आप आज होश और जोश आप में जो है वो कायम रखना पड़ेगा। अरे आप बैठे जका डीलर है खाते सुरक्षा में 25 लाख को इलाज और 10 लाख की बीमा क्लेम और खाद्य सुरक्षा में जगह लोग जुड़े बन अतो बड़ो राशन को किट देवे जगह होली दिवाली को नहीं खरीदता वो राजस्थान की सरकार राजस्थान को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देवे। आप सब ये जो जोश और जुनून आज एक छापर की बड़ी समस्या ही समस्या है, लेकिन अटे मंत्री भी बने 3-3 बार और सारो भागन पावर हो लेकिन वे लोग उन पर सिया, लेकिन ये किसान का बेटा पुष्पाराम गोदारा जिस दिन विधानसभा में जाएगा तो ये रास्ता निकालना जानता है कि कहां से कहां निकलना है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं आज सारा लोग बैठे होते हमारे बीजेपी की बात करो बीजेपी के काम करो थारे 5 साल में थे विधायक ने वोट बहुत दिया छापर लाबंद वोट नाग दिया एक काम छापर नगर पालिका में आ करा दे के विधायक मोदी ने हमारे लिए काम किया सिर्फ झूठी बाता और झूठा विश्वास दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 1-2 करोड़ से बढ़ाकर पूरे मेले को 5-5 करोड़ रुपया जनता की विकास के लिए दिया, एक एमएलए ने 5 साल में 25 करोड़ रुपया दिया है, अगर हिसाब बता दे तो बात कर लीजिए मारू के अशोक गहलोत अभिनेश महसीमान हिसाब बतायो जगह अशोक गहलोत रुपया दिया है बंक। सिर्फ झूठी बात करने को काम जाति धर्म समाज बिरादरी की बात करते हैं लोग विकास की बात नहीं करते। अरे बातों की कौन चल रहा है अगले थाली तो मेल दी अरबी में रोटी सब्जी की नहीं जाए तो थाली थोड़ी खाए वो रोटी दिया ही तो खाए। झूठी बात करने को बीजेपी को काम है। आज एक अभिनेश महर्षि जी को वीडियो वायरल हुए थे देखो मैं उसका जवाब देता हूं। वो कह रहे हैं कि लोग डर रहे हैं लोगों को डराया जा रहा है मेरे 5-6 लोगों ने कह दिया अरे आप एमएलए के चुनाव लड़ रहे हो आचार संहिता लगी है पुलिस किसके लिए है प्रशासन किसके लिए अगर आपके लोगों को कह दिया तो उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करो झूठी बातें मत करो।
आपने भी कहा था इसी छापर पे, छापर नगर पालिका में ये अमित मोदी का वीडियो वायरल हुआ था। ये झूठी बात करने का काम अभिनेश महर्षि भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी से झूठ बोलना सीख गए। भारतीय जनता पार्टी की मुंशी की झूठ बोलो, कल का उनका वीडियो चल रहा है कि मेरे लोगों को धमकाया जा रहा है, बूथ कैप्चरिंग हो जाएगी। हमें पता है 2018 में आपका राज था और बूथ कैप्चरिंग कहां हुई, अगर आपको पता नहीं है तो बता लेंगे, सामने आना। राजनीति करते हैं सिद्धांत से करते हैं, आम जन और किसान के लिए लड़ते हैं, किसी के साथ कोई घात नहीं होने देते। और पुसाराम दोदारा अगर कत्ताई रुपया दे देने तो झूठ कौन बोले, मेरी मर जाऊ दीवान सिंह जी में बोले साहब चुनाव को मामलो है ठेके तो थे बना जा, कहता है मैं झूठी बात कौन करूं, जो को होना वो काम करूंगा। ऐसा नेता है झूठी बात करे ही कोनी। और थारा 20 साल प्रधान रहे नगर पालिका में तो चलो काम कम पड़े, गांव वो काम पड़े। पुसाराम दोदारा दो चुनाव लड़े, दो चुनाव हार गया, लेकिन ये किसान का बेटा हिम्मत नहीं आ रहा। जितनी बार सुजानगढ़ है उतनी बार छापर भी आके गया है, चाहे उसी कान हो चाहे मोखान हो चाहे बात हो चाहे और कोई काम हो। ऐसे व्यक्ति को अगर आप जिताकर राजस्थान की विधानसभा में भेजोगे तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ये नया इतिहास लिखेगा। किसान का बेटा चाहे वो खेत में रहने वाला हो चाहे वो शहर में रहने वाला हो, सबके लिए एक नई व्यवस्था करने का काम ये पुसाराम गोदारा जी करेंगे। आप अति बड़ी संख्या में मिले, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद बांगड़वा जी, आपके संबोधन में एक एक खरी और सच्ची बात थी, जो सरकार की योजनाएं थी सारी चीजें एकदम खरी। और एक नारा लगाऊंगा उसके बाद फिर अगले संबोधन के लिए मैं पुकारूंगा, मैं बोलूंगा अब की बार पुसाराम जी, अब की बार, अब की बार, अब की बार कांग्रेस पार्टी। अब मैं हमारे सालासर से पधारे जन अभाव अभियोग के सदस्य और बीकानेर संभाग के प्रभारी रामजी लाल जी शर्मा, हमें आगे का कार्यक्रम खारिया कुएं के उद्घाटन का है तो उसके समय को भी ध्यान रखते हुए संबोधन संक्षिप्त में ही सबके मेन मेन हो। और हमारे बीच पधारे हैं रचपाल जी नायक उप प्रधान रतनगढ़, मैं भाई हंसराज जी से अनुरोध करूंगा कि उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। महेंद्र जी मेघवाल मंडल अध्यक्ष आप सर आप भी पधारे हैं, आपका स्वागत अभिनंदन वंदन। और रामजीलाल जी शर्मा साहब का उद्बोधन। राम राम सा जय श्री बालाजी। मंच पर विराजमान रतनगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रत्याशी आदरणीय पुसाराम जी गोदारा साहब, दीवान सिंह जी बानेसरिया साहब बांगड़वा साहब, मुमताज भाई जी जुगल भाई जी प्रधान जी, पूरा मंच ने मैं सब प्रणाम करूं कि मेरे जन्म स्थान वही है। मैं राजनीतिक बात कर करूं, 20 सालों परेशान हूं, लोग झूठ बोले। पुसाराम जी पिछली बार भी चुनाव लड़े, आपने माने कहीं बीच की आपा कोई छनी को नहीं, आपा विधायक बनायो कती बार विधायक आयो तो हम कोई बात छनी को नहीं। सड़क के मायने आपने पूरे छापर को साफ, मारे छापर को मुंडो बंद कर दियो। राजस्थान सरकार को जो मंत्री बनायो ले जो आज सरदार सर चुनाव लड़ रहे हैं, मारे छापर को मुंडो बंद कर दियो। मैं तो दुखी हूं बात से थानी मंच से कहना चाहू पुसाराम जी, बालाजी महाराज हम चुनाव जिताओला और फिर विधानसभा में जाओला और ठाकुर पहलो काम हो लोग बारे सड़क खुलनी सी जी। अब दूसरी बात, अगर अभिनय सिंह यार मैं बामन को बैठा हूं तो नहीं बामन को बैठा हूं, गांव में जल पड़ो हूं थाने वादो करू। मैं पुसाराम जी को एमएलए को लेटर पेड़ नहीं, मैं राम जी का भी साइन उसी छापर को कोई भी काम उसी मैं तैयार हूं, पूरे छापर एक जाओ पुसाराम जी हर काम करवाना अपने सागर सी। अब आपको संबंध बताऊ, मुख्यमंत्री जी और डोटासरा जी दो मुख्य है अपने राजस्थान का और दुनिया का तो प्रगाढ़ संबंध है। टिकट के मामला के माने भोज नाम चला लोगों का है,
लेकिन सबके तुषाराम जी 10 साल दो बार चुनाव हारने के बाद जगह को छोड़ी मैंने राजस्थान को एक ही एमएलए बता दो चैलेंज दे रहे बीजेपी वाले ने एक भी एमएलए चुनाव हार गए और अगर सेवा करी वो छापर मार तो मैं धन्यवाद दू तुषाराम जी एक ही किसान नेता यहां जो है जो 10 साल में लाडलीवार से रेडियो तैयार है आज भी रेडियो तैयार है और बाप बेटा और बांगड़ेबाजी सब मन आ बात कहे कह यार राम जी छापर के बाद में काई कर दियो छापर को विकास तुषाराम गोदरा जी कर सके अपन सब दिमाग में बात निकाल दो मैं प्रार्थना करू क्योंकि छापर तो कांग्रेस से उगड़ गए साहब पुसराज जी हमारा ताऊ जी चेयरमैन रहा आप तक भी परिवार पर कोई बात है कोई पुसराज जी के बारे में बोल सकेगे रामजिलाल जी परिवार चेयरमैन रहा कोई बोल सके जीतू भाई जी रहा कांग्रेस को और रामकरण वो सब आदमी कोई कांग्रेस के ऊपर आरोप तो लगा सके कि हमारे साथ इकाई करी राजस्थान के मुख्यमंत्री कैंप लगाया साहब और मैं कैंप में पूछा राम जी हर कैंप में सारा छापर आयो मैं साहब और हर कैंप के मान में दिल से बात थी कि कोई को पट्टे बने अपने नहीं रह जाए कोई की पेंशन चालू नहीं है नहीं रह जाए क्यों साहब बैठे मेरी बात तो अब कहीं नैतिक जिम्मेदारी पड़े और वोट पूछा राम ने बोली छापर का हर वोट है रामजिला शर्मा देसी और छापर में पूछा राम ने आगे निकाल दीजिए मैं वादो करूं थाने ईमानदारी से पुसाराम जी को मेठे पेड़ पर बेरो सहन साहब एक तो रोड आओ काम करो और कोई को भी काम रुक जाए तो थे मन कर दीजिए छापर को वोट मिलना है लेकिन पुसाराम जी छापर आगे रहना चाहिए अब मैं थाने विशेष प्रार्थना करू और प्रणाम करू पूरे छापर ने क्योंकि मेरे जन्म स्थान वही है मेरे हर भाई मेरे भाई जी मुमताज बैद जी मेरा भाई है इसे मेरा पिताजी बहुत छापर प्यार कराया करता एक ही वाली घटना होगी मैं साला सर चला गया लेकिन छापर तो छापर ही है साहब मेरे दिल में बसा छापर मैं एनी टाइम छापर के लिए बढ़ने के लिए तैयार हूं लेकिन थारे में वादो करी बात कमाना कोई भी काम है आप पीछे को नहीं हर विकास उसी और कोई दिक्कत कौन था ना एक ज्यादा से ज्यादा बोल दे 25 तारीख को मेरी बात सुन जो मैं थोड़ी मानू सामने पुसाराम जी ने बाकी का मुख्यमंत्री जी कर लू मैं गोविंद डोटासरा जी बात कर सू मैं पुसाराम जी बात कर सू मैं मानी सरजिया जी बात कर सू मैं रामकरण बात कर सू मैं सबा बात कर सू और खर से कोई भी गर्मी हुए तो 5 साल आगला अपना ही है कोई दिक्कत बनी लेकिन अब की बात मेरी बात रखनी पड़ी ब्राह्मण के बेटे हूं ऐसे कौन गण धोई फैली हो ब्राह्मण समाज मेरे परिवार का सदस्य है तो सेवा में हाथ जोड़ प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा वोट देकर के पुसाराम जी विजय बनाओ राम राम साहब प्रणाम जय श्री भारत बहुत बहुत धन्यवाद रामजीलाल जी भाई साहब आपका और बहुत जोशीला और खरा उद्बोधन और आपने जो छापर के लिए पुसाराम जी के लिए वोटों की जो झोली फैलाई है निसंदेह हम सब मिलजुल करके और इस झोली में खूब सारे वोट डालेंगे और आपकी भी लाज रखेंगे पुसाराम जी की भी रखेंगे और पूरे कांग्रेस कार्यकर्ता की एक एक की लाज रहेगी जब हम 25 तारीख को कांग्रेस के हाथ के पंजे पर निशान पे हम और लगाएंगे हमारे बीच भगवान जी बावरी पूर्व पार्षद उपस्थित हैं आप गोदाराज साहब का स्वागत कर हार्दिक अभिनंदन करें और श्री लेखदास जी महाराज और भंवरदास जी महाराज हमारे बीच आए हैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत वंदन और जेठाराम जी नाइक बोथियासर से आए हैं मोडूराम जी कांटीवाल भी हमारे बीच आए हैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत वंदन और मैं आगामी वक्ताओं से अनुरोध करूंगा कि पुसाराम जी गोदारा साहब को संबोधन करके सम्मानित मंच करके और आगे बढ़े तो हमारे समय का उपयोग होगा और दो वक्ता और अच्छे बोल पाएंगे ये विशिष्ट ध्यान रखिएगा अब मैं निवेदन करता हूं हमारे चाड़वास के युवा कार्यकर्ता भाई गोविंद बारेठ से कि आप आज की सभा को संबोधित कर गरिमामय करें समय का अभाव विशेष ध्यान रखें आज के इस कांग्रेस पार्टी कार्यालय उद्घाटन प्रोग्राम में पधारे हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के जनप्रिय नेता श्री पुसाराम जी गोदारा साहब सहित सम्मानित मंच और दीवान सिंह जी भानेसरिया साहब पूर्व उप प्रधान सुजानगढ़ श्री गिरधारी जी बांगड़वा साहब पूर्व
पूर्व प्रधान रतनगढ़ श्री भानी राम जी मेघवाल साहब, वर्तमान सरपंच आलसर श्री काली राम जी मेघवाल साहब, विनोद जी भाई साहब, रामजीलाल जी भाई साहब और सम्मानित मंच, आप सब लोगों का जोश और जुनून देखते ही बनता है जैसे ही इस कार्यक्रम के शुरुआत में इस प्रांगण के अंदर प्रवेश किया, तभी आप लोगों की पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हम सबको देखने को मिला और आपका जोश और जुनून इस बार बता रहा है कि छापर में इस बार पुषाराम दोदारा जी एक नंबर पर रहने वाले हैं। ये आपके जोश और जुनून को देखते हुए मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि प्रत्येक कार्यकर्ता को पुषाराम दोदारा बन जाना है और प्रत्येक बूथ पर जाकर के एक भी वोट ऐसा नहीं है जो हमारे पक्ष में पड़ सकता है, वो घर पे रह जाए, इसको चेक करते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करना है। सरकार की योजनाएं ऐसी है कि अगर उन योजनाओं को जाकर के भी हमने जन जन को बता दिया तो वो योजनाएं अपने आप वोट लेने की ताकत रखती है। आज सबसे बड़ा फर्क अगर मैं बताता हूं भाजपा और कांग्रेस के अंदर कि किस तरीके से बड़ा फर्क है, तो मैं ये कहता हूं कि अगर कांग्रेस वोट मांग रही है तो अपने किए गए काम की वजह से वोट मांग रही है और अगर भाजपा वोट मांग रही है तो वो लोगों को लड़ा करके वोट मांग रही है, धर्म के नाम पर वोट मांग रही है। तो हमें इन चीजों को समझना है, आम जनता तक इन बातों को पहुंचाना है। और मैं एक बात मन से कहना चाहता हूं कि यहां पे हमारे जो विपक्षी प्रत्याशी हैं उनके जो दूत हैं वो चारों तरफ इस तरीके से बैठे हैं कि वो उन जगहों को छोड़ ही न रहे। एक भाई साहब तो छापर और चाड़वास पर ही डेरा डाले बैठे हैं, उनको कहीं भी देख लो वो जाकर के वहीं पे बोलते हैं। आज पिछले 10 दिनों से मैं देख रहा हूं कि चाड़वास में और छापर के अलावा उनको देखने को नहीं मिलता है। 5 साल पहले उनको देखा गया था और 5 साल बाद आज वापस उनको चुनाव आने के बाद में याद आ रही है जनता, अब वो यहां पे घूम रहे हैं। ऐसे हालात नहीं होते अगर काम करते तो। काम तो करना ही नहीं है और काम करना आता ही नहीं है, सिर्फ हमें तो लोगों के सामने जाना है, लोगों को झूठी बातें बोलनी है, उनको लड़ाना है और ध्रुवीकरण करके वोट अपनी तरफ करने, ये काम उन लोगों को आता है। पार्टी के प्रति जो हमारा प्यार और सम्मान है वो हमें दिखाना है और 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट देना है। और दूसरी बात कहना चाहूंगा कि वहां पे वो कहते हैं कि हम लोग 7 भाई हैं और 7 भाई हैं मिलकर के चारों तरफ हम लोग सब चीजों को ठीक कर लेंगे। मैं कहता हूं पुषाराम गोदारा जी और महेंद्र भाई अकेले नहीं है, हम सब मिलकर के सारे भाई और सब करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। बहुत अच्छी अपील। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे छापर निवासी कोयम्बटूर प्रवासी श्री विनोद जी बंसाली, हमारे छापर के समाज सेवी हैं और जोशीले नेता हैं और जनसंघर्ष समिति के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं और छापर और जनहित के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं भाई श्री विनोद जी बंसाली। सम्मानित मंच और मेरे छापर के भाइयों, मेरे को इतना ज्यादा तो बोलना नहीं आता है, कुछ एक बातें मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस गवर्नमेंट जब छोड़ के गई थी बीजेपी को, उस समय हमारे पास कर्जा था 55,000 करोड़ का और आज बीजेपी गवर्नमेंट में 1,60,000 करोड़ का कर्जा है। हर भारत का नागरिक 1,10,000 का कर्जदार है। तो क्या किया मोदी जी ने 10 साल में? हमारे गैस सिलेंडर की कीमत थी 400 रुपए, आज गैस सिलेंडर की कीमत है 1,000 रुपए। हमारे को दाल मिलती थी 68 रुपए, आज दाल के भाव है 130 रुपए। हमारा पेट्रोल था 55 रुपए, आज पेट्रोल है 110 रुपए। और हमारा डॉलर था 87 है अभी, उस समय 55 था। तो कितना परिवर्तन हुआ है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने 60 साल राज किया था और बीजेपी ने 10 साल राज किया था। 10 साल में वो पैसे कहां गए, इसका कोई जवाब नहीं उनके पास। और कितनी बड़ी जीएसटी का पैसा उनके पास आता है, कहां खर्च करते हैं पता नहीं। रोड बनाते हैं ठेकेदार जिसका टोल हमको भरना पड़ता है, रेलवे बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, तो है क्या? तो इसलिए कांग्रेस गवर्नमेंट को जिताओ बहुमत से, यही मेरी अपील है। बहुत सुंदर उद्बोधन बंसाली जी द्वारा। बंसाली जी रुपये पैसों का किताब संभालते हैं, इसलिए जो कर्जे वाली बात है वो बहुत गहरी बोली है इन्होंने। मैं एक छोटा सा नारा लगाऊंगा, उसके बाद उद्बोधन होगा हमारे भानी राम जी मेघवाल साहब का। मैं बोलूंगा काम किया दिल से, आप बोलेंगे कांग्रेस सरकार फिर से। काम किया दिल से,
काम किया दिल से, कांग्रेस सरकार फिर से। भाई बानीराम जी मेघवाल, आज छापर नगर पालिका में पधारे यहां के विधानसभा प्रत्याशी पुषाराम जी गोदारा और सभी का नाम सम्मिलित करते हुए सम्मानित मंच और छापर से पधारे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथियों, आप सब लोगों को पता है कि छापर में भाजपा के लोगों ने छापर के साथ क्या धोखा किया। वो छापर के लोगों के बीच में जाते हैं, बात करते हैं कांग्रेस के काम नहीं करने की। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी विधानसभा में 20 साल से भाजपा का एमएलए है। अगर छापर नगर पालिका में एक ही बड़ा काम हुआ है तो बताओ। आप सबको पता है काम नहीं हुआ। अभी रामलाल जी बता रहे थे छापर नगर का मोह बंद कर दिया। जो सुजानगढ़ जयपुर को जोड़ने वाली सड़क थी वो किसने बंद कराई, किसके राज में बंद हुई? और वही लोग आज हमारे बीच आते हैं कि नहीं हम छापर रोड बनवा देंगे। साथियों, वो हमें गुमराह कर रहे हैं, वो जाति भांति की लड़ाई करवा रहे हैं, वो हमें बरगलाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि हम सात भाई हैं, अगर 20-20 गांव लेंगे तो हम उनको सेट कर लेंगे। साथियों, वो सात हैं और हमारे पूरी विधानसभा के मतदाता है। या कोई 7-8 एक नहीं, या पूरी विधानसभा के मतदाता है। और वो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। 2 दिन से वीडियो वायरल कर रहे हैं, विधायक जी कह रहे हैं कि हमारे लोगों को धमकियां दे रहे हैं। साथियों, उनको धमकियां नहीं, उनको हार का डर संता रहे हैं और वो गुमराह करना चाहते हैं, वो जाति भांति की बात करना चाहते हैं। लोग समझदार हैं और रतनगढ़ विधानसभा के लोग आपको अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि आप चतुर हो, आप चतुराई से काम करना चाहते हैं, पर आपसे ज्यादा चतुर हम सब लोग और रतनगढ़ विधानसभा के मतदाता हैं। इसलिए आपको छापर में कोई बड़ा काम मिलेगा तो वो कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस ने किया है, भाजपा का एक ही काम नहीं मिलेगा। अगर भाजपा के लोग आपके बीच में आए तो उनको काम के बारे में पूछें, उनको बताएं कि जाति भांति में नहीं, आप विकास के नाम पर वोट मांगो तो वो आपसे मुंह तोड़ के उनको जवाब भी देना है और आप उनको समझाना है कि आप जाति भांति की बात नहीं करें, विकास के नाम पर वोट दें, कांग्रेस को दें और पुषाराम जी को दें, ताकि छापर और हमारे रतनगढ़ विधानसभा का विकास हो रहे। साथियों, आप 15 साल से रतनगढ़ विधानसभा में जुड़े हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा बेल्ट है उससे आप टक्कर लेना है। हम आपको भरोसा देंगे और भरोसा दिलाना चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र से हम आपको, आप अगर 10,000 की लीड देंगे तो आपको हम 25,000 की लीड देके दिखाएंगे। इसलिए आप सब लोग पुषाराम बनकर 25 तारीख की 6 बजे तक काम करना है और हमारे बूथ पे कहीं कांग्रेस पार्टी और पुषाराम नीचा नहीं रहना चाहिए। आप एक तरफा वोट दिलवाएं, इसी आशा विश्वास के साथ आप सब लोगों ने जो मान और सम्मान किया, आपका तहे दिल से आभार, धन्यवाद। जय हिंद, विजय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूं कालूराम जी से, संक्षिप्त में समय का ख्याल रखते हुए। छापर नगर पालिका कार्यालय उद्घाटन में पधारे हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी पुषाराम जी गोदारा, साथ में पधारे हमारे जुझारू नेता पु
पूर्व प्रधान गिरधार लाल जी बांगड़वा, सुजानगढ़ पंचायत समिति के पूर्व उप प्रधान दीवान सिंह जी भानीसरिया, मेरे साथ में पधारे सम्मानित मंच, सामने बैठे पिता तुल्य बुजुर्गों और नौजवान साथियों। साथियों, मैं एक ही निवेदन करूंगा कि हमारे रतनगढ़ विधानसभा के विकास के लिए आदरणीय पुषाराम जी गोदारा, जो निरंतर 10 साल से अपने बीच में कार्यरत हैं, निरंतर सेवा दे रहे हैं, उनको भारी बहुमत से विजय बनाकर विधानसभा भेजे ताकि हमारी आवाज को बुलंद कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संक्षिप्त उद्बोधन के लिए मैं निवेदन करता हूं रक्षपाल जी नायक, उप प्रधान रतनगढ़। आओ नहीं, आदरणीय पुषाराम जी गोदारा साहब एवं सम्मानित मंच, आयरन सन राम राम साहब, एक ही काम करना है कि 25 तारीख को हाथ के निशान के ऊपर ज्यादा ज्यादा वोट डलाओ और पुषाराम जी ने विजय बनाओ। एक ऐसा के जय हिंद, जय भारत, विजय कांग्रेस। पुषाराम जी गोदारा जिंदाबाद, पुषाराम जी गोदारा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी गोविंद सिंह डोडासरा। प्रधान जी, आपके संक्षिप्त संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं निवेदन करता हूँ हमारे पंचायत समिति सदस्य रहे हमारे प्रधान जी दीवान सिंह जी बानरिय साहब, दीवान सिंह जी पानी सिंह। सम्माननीय हमारे कांग्रेस से लोकप्रिय प्रत्याशी श्री तुषाराम गोदारा जी, पूर्व प्रधान गिरधारी बांगड़वा जी, विनोद भंसाली जी, सम्मानित मंच, छापर के मेरे बड़े बुजुर्ग युवा नौजवान साथियों, 25 नवंबर को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के चुनाव है। ये चुनाव कोई नगर पालिका के चुनाव नहीं है, ये कोई पंचायतों के चुनाव नहीं है, ये ऐसे चुनाव है जो आपके तकदीर और तस्वीर के भविष्य का फैसला करते हैं। राजस्थान की विधानसभा में यहाँ से जीत कर जाने वाला व्यक्ति आपकी विधानसभा में बात रखता है। आपका कोई भी काम हो, कि गरीब का, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी है, उनका जीवन स्तर कैसे सुधरे, उनको कैसे फायदा मिले और उसको उनको कैसे संबल और साहस मिले, वो कानून राजस्थान की विधानसभा में बनता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि दो विचारधाराओं का चुनाव है। एक विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की, जो विचारधारा पिछले 5 साल से एक विधायक था, उस विधायक ने आप लोगों के लिए क्या किया, ये आपको सोचने की जरूरत है। दूसरी विचारधारा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, चाहे 100 यूनिट बिजली माफ करना हो, चाहे खाद्य सुरक्षा की बात हो, चाहे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा की बात हो। चिरंजीवी बीमा का महत्व है, उस व्यक्ति से पूछो आप जिसके किडनी का चेंज हुआ है, जिसके घुटने चेंज हुए हैं, जिसके डायलिसिस हो रहा है, जिसके हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, एंजियोप्लास्टिक हुई है, उन लोगों को पूछो कि चिरंजीवी योजना कितनी लाभदायक है। मेरा आपसे निवेदन है कि छोटे छोटे कस्बे और गांव है, उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। यहाँ पर आपके बीच भारतीय जनता पार्टी ने जो जीएसटी सीजीएसटी जो लगा के काम किया, जो नोटबंदी की, आप छोटे व्यापारी दुखी और सुखी आप खुद आकलन करो। मेरा आपसे निवेदन है कि छापे की बहुत बड़ी समस्या है, ये समस्या अभी सब लोग बता रहे थे, ये रोड की रास्ता में प्रधान जी बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन जब बांगड़वा जी और सब लोग बोल रहे थे कि कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा, जब पुषाराम जी मुस्कुरा रहे थे, मुझे इनकी मुस्कुराहट में ऐसा लगा, आज 20-25 साल से मैं साथ हूँ, इनका हाव भाव मैं समझ जाता हूँ। जैसे ही प्रधान जी ने बोला और इन्होंने मुस्कुराया, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान की विधानसभा पहुंचा दो और जब टेबल ठोक के राजस्थान विधानसभा बात करेंगे तो कुछ का रास्ते का हल भी निकलेगा, यह मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि संसार में कोई भी चीज असंभव नहीं है, कोई लोग कहते हैं कि असंभव है, कोई भी चीज असंभव, सब संभव है, तो ये तो एक रोड ही तो है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक और नेक रहकर, लंबी बात मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जब बिना मांगा वोट मिले तो फिर दूसरों काम क्यों कर सी, ये छापर के लोगों को बहुत सोचने की जरूरत है। आप जब भी चुनाव आवे बगैर वोट दे दिया बीजेपी ने, 1000 वोट आ गए, 2000 वोट आ गए, 3000 वोट आ गए। आप एक बात बताओ कि रोटी उन्ना और उन दोनों उतले ने
जरा रोटी स्वाद लागे। लोग आने पतोरों से के छापर का लोग अगर काम नहीं करो, बाकी आका सब खरा नहीं उतरिया और बेलाका के बीच में नहीं रिया तो छापरिया लोग अगर उथल देला। लेकिन आज तक तो आपने मैसेज दिया नहीं, आज तक छापरे लोगों ने मैसेज नहीं दिया बंसाली जी, रोटी उथली को नहीं, एक चाल रही बीस चाल रही, फिर छापरा विकास कैसे होगा। मैं यहाँ 88 मेरा एडमिशन था, एसएम तवर साहब यहाँ प्रिंसिपल हुआ करते थे, रखाराम जी गोदरा हमारे एनसीसी के थे, ब्राह्मण महासभा है, ब्राह्मण महासभा में रहते थे, मेरे गांव के 15-20 लोग पढ़ते थे यहाँ पर। मैं आपको कहना चाहूंगा कि उस छापर पर आज के छापर में कोई 10-5% का फर्क आया नहीं। छापर जैसे शहर बन गए नगर परिषद। उस टाइम का छापर जो था ना वो छापर तरफ था कि छापर के आसपास कोई शहर नहीं था सुहांड के अलावा, और आज पटियाला जैसे राजन जैसे छापर से आगे चलेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि विकास के लिए वोट होना चाहिए आपका, अंतरात्मा की आवाज पर वोट होना चाहिए। पूछा राम जी 2013 में चुनाव हार गया, फिर भी आप लोगों के बीच में रहे, आप लोगों के सुख दुख में शामिल रहे। 2018 में फिर कांग्रेस पार्टी ने टिकट काट दिया, किन पर सुम कटा उसमें नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन आप लोगों ने मजबूत साहस और संबल दिया और इनको 62,000 वोट मजबूत देकर उसी की बदौलत आज कांग्रेस पार्टी ने आपके भावनाओं के अनुसार इनको यहाँ पर प्रत्याशी बना के भेजा है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि उस टिकट में आपकी बहुत बड़ी भागीदारी है, और अब पिछले 5 साल 18 से 23 तक आप अपने अंतरात्मा से सोचना कि पूछाराम गोदरा छापर के सुख दुख में शामिल रहा या नहीं रहा, आपके काम आया या नहीं आया। आपने जब याद किया पूछाराम गोदरा हाजिर मिला आपको, ये पूछाराम गोदरा चुनाव लड़ रहा कांग्रेस पार्टी से। मैं आपको कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को वोट दो, जखने कांग्रेस पार्टी चूंकि नहीं लागे वो पूछाराम गोदरा ने वोट दे दी जो आपके लिए काम करने वाला व्यक्ति है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक और नेक रहकर छत्तीस समाज की पार्टी कांग्रेस है, छत्तीस समाज के नेता पूछाराम गोदरा जी है, मंच पर थे सब लोग बैठे हो, अवार थे अठिन जासू था, रोड बन रही है ठेठ नेमड़ी चावन काला भेरू रोड बन गई, वो रोड पूछाराम जी की बनाई हुई है, आपका सीधा सलासला रास्ता निकल गया यहाँ से। और भी बहुत सारे लोग जो काम कराना जानता है काम वही करा सकता है। रोड की जखत जड़ खटे बैठे थांगा विधायक लोग पुग्या को नहीं, नए पुग्या काम को नहीं, वहां पहुंचना पड़ेगा। ऐसे काम के आदमी पीछे पड़ना भाई जूती खोद रही पीछे पड़े में जना काम हुए नहीं। आजकल अधिकारी तो न्याली को नहीं करे, पाटे पाटे उतार दे समझने को नहीं, आदमी का आदमी जावे खटी रस्ते तो अगुने रहे बेजात होना। तो मारो आप निवेदन है कि आप एक और नेक रहकर एक बार की फर्क को नहीं पड़े वोट आप नहीं देवा, लेकिन एक बार पुशाराम गोदरा जी को आप दे दो, छापर की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। मैं आपको ये करना चाहता हूं, लेकिन वोट एक मुझ दे दो। आपसे ये निवेदन है कि एक मंच पर आगे आने वाले 6 दिन की बात है, आने वाले 6 दिन आप पुशाराम गोदरा जी को दे दो, आगे आने वाले 5 साल छापर की जनता के लिए पुशाराम जी गोदरा तैयार मिलेंगे। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं, आपके मान में आपके सम्मान में और आपके कमी काम में कोई कमी नहीं रहने देंगे, यह मैं आपको कहना चाह रहा हूं। इतनी बात करके मेरी वाणी विराम दूंगा। आप लोग आत्म मंथन करना, आत्म चिंतन करना और 25 तारीख को पूछाराम गोदरा जी को वोट देना। जय हिंद जय भारत। विकास के लिए पूछाराम जी गोदरा को वोट दें, इस अपील शानदार अपील के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जनाब हमीद सबसरोस और जनाब हकम अली और भी हमारे कई तमाम कार्यकर्ता बैठे हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं 2 शब्द के लिए संक्षिप्त संबोधन के लिए निवेदन करता हूं जनाब कादरी मुमताज अली जी से। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, राम राम और जय हिंद। ये चुनावी मौसम है और इसमें कांग्रेस तो अपने विकास के लिए वोट मांग रही है कि हमने विकास किया इसलिए आगे वोट करना है, मगर वो लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और घोटाले का आरोप लगा रहे हैं कि राजस्थान में कितना घोटाला हुआ है। आज देख रही है यहां घोटाला हर सरकार में होता है, हमारे मनमोहन जी की सरकार थी उसमें भी घोटाला हुआ, मगर वो घोटालेबाज कहां है, वो आज जेल के अंदर बैठे हुए हैं। उस सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन घोटालेबाजों को जेल में डाल दिया, और हमारे नरेंद्र मोदी जी जो घोटालेबाज हैं वो आज कोई लंदन में बैठे हैं, कोई अंग्रेज अमेरिका में बैठे हैं, कोई कहीं बैठे हैं, उनको गिरफ्तार करने का यहां तक कि उनके ऊपर कार्रवाई करने का भी कोई नाम निशान नहीं है। झूठों की सरकार,
वो कहते अपने कार्यकर्ताओं को कि झूठ इतना बोलो कि लोग इसको सच मान ले, तब तक झूठ बोलते जाओ। और वो कहते हैं लोगों के सच बोलो भाई, क्योंकि झूठों की सरकार है। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो, तो दूसरों को कहते हैं सच बोलो, ये तो खुद झूठ बोल रहे हैं ना। दोस्तों बड़ी शान से उभरे थे, भारत की जनता बड़ी मगन हो गई थी मोदी जी के ऊपर कि मोदी जी आएंगे भारत को सोने की चिड़िया बना देंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे। उनको अहंकार हो गया, घमंड हो गया, और उस अहंकार के अंदर इतने डूब गए कि उन्होंने देश को भी बेचना शुरू कर दिया, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, लाल किला बेच, सब कुछ बेच दिया, फिर भी उनका मन नहीं भरा अभी तक। फिर कहते हैं हमें वापस लाओ, हमें वापस लाओ। तो अब क्या कह रहे हैं कि शायद तको बर की सजा मुझको मिली है, शायद ये तको बर की सजा मुझको मिली है, उबला तो बड़ी शान से मैं डूब रहा हूँ, उबरा तो बड़ी शान से मैं डूब रहा हूँ। अब डूब रहे हैं, कर्नाटक में डूब गए, छत्तीसगढ़ में डूब गए, अब इन पांचों राज्यों में भी डूब रहे हैं, और छह महीने के बाद जो लोकसभा का चुनाव वहां भी डूब जाएंगे। अब मोदी जी बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दिया है, मगर उनको वक्त नहीं मिलेगा, सांस भी नहीं आएगा, उनकी जगह घर नहीं बल्कि जेल में होगी, वो सारे के सारे जेल के अंदर बैठेंगे। ये आप अपनी आंखों से देखेंगे क्यों काम ऐसा किया है। अब दोस्तों अगर इन घोटालों से बचना है, अगर विकास की राह पर हमें गामजन होगा होना है, अमीन जो बार बार हम हर दिन लाइन पर लगे रहते ना, उस लाइन से हमें राहत पानी है, तो कांग्रेस को जिताओ, और कांग्रेस को जिता करके वापस हमारे अशोक गहलोत की सरकार बनाओ, और आने वाले छह महीने के बाद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। जब हमें राजस्थान में अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तभी जाकर के हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना पाएंगे। इसलिए आपके सामने हमारे लोकप्रिय नेता पूसाराम जी गोदारा है, वो आपके सामने आए हैं हमारे आपसी मत भेद को भुला करके, और वक्त का तकाजा है कि एकजुट होकर के हम कांग्रेस के हाथ के निशान पर कवाला बटन दबा करके वोट देकर के इनको विजय बनाए, ताकि ये आगे जाकर के अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना सके। जय हिंद जय भारत। काम किया दिल से कांग्रेस सरकार फिर से, शुक्रिया जनाब मौली साहब। अब संक्षिप्त उद्बोधन के लिए मैं निवेदन करता हूँ भाई मुमताज अली जी की लानिया, पूर्व पार्षद दो शब्द। अपने गांव में जो भी काम हुआ वो तो किसी से छिपा नहीं है। आज हम इसी चीज के लिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारे गांव में जो भी विकास हुआ है बीजेपी के एमएलए द्वारा, वो किसी से छिपा नहीं है। हम आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी पूसाराम जी को वोट दे करके 25 तारीख को और विजयी बनाएं, ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके विजयी बनाएं। अब हम जिस वक्ता और जिनसे हम उम्मीद लगाए बैठे हैं उनको मन से आमंत्रित करने से पहले दो शब्द मैं भी बोलना चाहूंगा, अगर आपकी आज्ञा हो तो। साथियों मैं छोटी सी बात कहूंगा कि छापर जब सुजानगढ़ तहसील में था तब हमारा प्रतिनिधित्व मास्टर भवनलाल जी किया करते थे, तब छापर की थोड़ी सुध बुध हुआ करती थी। हमारा कोई धनी दोरी था, हमारा कोई लीडर था, जिनके पास कोई समस्या ले जाते थे तो कोई समाधान होता था, निकलता था। यहां चश्मदीद गवाह हमारे बुजुर्ग वरिष्ठ कार्यकर्ता बहुत सारे बैठे हैं, और जब से ये रतनगढ़ में गया है, क्योंकि रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का इतिहास पंडित जयदेव नारायण जी इंदौरिया के बाद कभी कांग्रेस प्रतिनिधित्व का कोई
मौका ही नहीं दिया जनता ने। तो छापर उधर जाने से परिसीमन के बाद अभी दीवान सिंह जी बानेसरिया साहब ने एक बात कही थी कि जब मैं बचपन से, मैं मानू कि यानी कि आज से 40 साल पहले कम से कम बानेसरिया जी ब्राह्मण सभा में रह के जो विद्यार्थी काल बिताया करते थे, उस समय और आज की तुलना में जो विकास की यात्रा बताई है वो बड़ी पीड़ादायक है, बड़ी दर्दनीय है। अब ये विकास की जो संभावना हम देखें, परखें, जांचें और विश्वास के साथ, तो हमारे सामने एक उम्मीद की किरण जागी है। सारे समाज के लोग बैठे हैं, मोटा मोटी गांव के हर गली नुक्कड़ से आए हुए हमारे भाई लोग बैठे हैं, बहुत सारे वो लोग भी बैठे हैं जिनका हृदय परिवर्तन हुआ है। मैं दावे से कह सकता हूं कि कांग्रेस सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी श्री अशोक जी गहलोत साहब ने जो 5 साल में जो काम किया, ढाणी ढाणी, गांव गांव, गरीब अमीर, गरीब के मसीहा, बच्चे माएं बाएं, बूढ़े बुजुर्ग, सबके लिए किसी को नहीं छोड़ा, उस विकास की गंगा में अगर अपने को हाथ धोना है तो रतनगढ़ से अपने को पुसाराम जी गोदारा को 25 तारीख को विजय बना के भेजना होगा, क्योंकि ये गंगा तो फिर बहेगी, डेफिनेट है, अटल है। और ये कटु सत्य है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, ये डेफिनेट है, लिख लो, क्योंकि जनमानस बन चुका, लोगों का जनमानस बन चुका। और उस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए हमारे लीडर नेता पुसाराम जी गोदारा हमारे सामने है, निर्णय हमें करना है, हम कर चुके, लेकिन हमारे भाई, हमारे पड़ोसी, हमारे जो भी संपर्क में है उनको भी हमको समझाना है और 25 तारीख को मतदान के लिए आगे लाना है। अब मैं पुसाराम जी से उम्मीद क्यों कर रहा हूं, मैं खुले मन से बोलता हूं, मैं पुसाराम जी के लिए मैं आपसे अपील क्यों कर रहा हूं, मैंने इनमें क्या देखा, एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते ईमानदारी से, मैं पार्टी का हूं, पार्टी ने इनको टिकट दिया है, उस नाते तो साथ हूं, लेकिन मैं दिल से और मन से इन शख्स से, इस व्यक्तित्व से, इस नेता से कैसे जुड़ा वो मैं आपको बताना चाहूंगा। गोदारा जी मास्टर जी भवनलाल जी के साथ पंचायत समिति में प्रधान लंबे समय तक रहे और हम बुजुर्ग लोग विराज रहे हैं, छोटे मुंह बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, कि संगत का असर आता है, संगत का असर आता है। तो जो मंत्री जी भवनलाल जी के संगत से, उनके साथ रहने से, उनके रीति नीति कामों को तरीकों को देखते हुए जो इनों के मन में जो एक लीडरशिप की जो छवि बनी, सेम वही शैली, वही लीडरशिप मैंने गोदारा जी में देखी। एक तो गोदारा जी फील्ड में रहे, हर एक सुख दुख के साथ में रहे, पूरे 5 साल लगातार ये गांव गांव, ढाणी ढाणी, कस्बे कस्बे, छापर शहर में भी मैंने बहुत बार देखा। और जिस किसी भाई ने अभावग्रस्त कोई काम से इनके पास गया तो संतोषजनक जवाब भी दिया और मास्टर जी भवनलाल जी की तरह स्पष्टवादी भी रहे, ये इनकी बहुत बड़ी कला है। यारों के यार हैं। और मैंने ये भी देखा कि हमारे चूरू जिले में मास्टर भवनलाल जी जैसा नेता हमें कम देखने को मिलता है, क्योंकि उनमें लीडरशिप थी और वही अंश, वही गुण, वही छवि, वही नेतृत्व की कला में पुसाराम जी गोदारा में देखता हूं। इसलिए बहती गंगा में हाथ धोने के लिए हमें 25 तारीख को कांग्रेस के हाथ पे बटन दबा के और दबवा के हमें वापस पुसाराम जी गोदारा को इस बार विजयी बनाना है और विधानसभा में कांग्रेस सरकार हमें पुनर्गठन करना है। इन्हीं शब्दों के साथ अब हमारे सिरमौर, हमारे प्रत्याशी, हमारी उम्मीद, हमारी किरण श्री पुसाराम जी गोदारा से मैं अनुरोध करता हूं कि आप आज की इस कार्यालय उद्घाटन की सभा में आपका संबोधन दीजिए।
तुषाराम जी गोदारा जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से सर। ये ठीक है क्या? हाँ ये ठीक। छापर नगर पालिका कस्बे में आयोजित कांग्रेस कार्यालय उद्घाटन समारोह में मारे सागे पदारेड़ा रतनड के पूर्व प्रधान गिरधारी बांगड़वा जी, सम्माननीय सुजानगढ़ के पूर्व प्रधान दीवान सिंह भानिसरिया, सम्माननीय देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कालूराम मेघवाल जी, सम्माननीय पूर्व देहात ब्लॉक अध्यक्ष भाई बानीराम मेघवाल जी, सम्माननीय हमारे रतन पंचायत समिति के उपप्रधान रक्षपाल नाइक जी, सम्माननीय हमारे सम्मानित प्रतिष्ठित बामासा सम्माननीय भाई विनोद बंसाली जी, सम्माननीय मेरे देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी चाड़वास का जो हमारे कार्यालय का काम संभाल रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, भाई गोविंद बारठ जी, सम्माननीय भाई कादरी जी, सम्माननीय भाई मोती भाई, सम्माननीय खिलाड़िया जी, सम्माननीय बाबू खान जी, सम्माननीय मंडल अध्यक्ष महेंद्र मेघवाल जी, सभी सम्मानित हमारे पार्षदगण, यहाँ के नगर पालिका कांग्रेस के अध्यक्ष रामकंठ चौधरी जी, सम्माननीय सभी कांग्रेस के पदाधिकारी, पूर्व अध्यक्ष बेनीवाल जी, पत्रकार बंधु, संचालन कर रहे हुए जितेंद्र सैनी जी, तमाम छापर के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बच्चों, सामने विराजमान कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी और इस कार्यक्रम में पधारे हमारे आसपास के इलाके से सरपंच साहिबान, देखो आज छापर में पहली बार, हालांकि मैं तीसरी बार आया हूं छापर में, मुझे टिकट मिलने के बाद ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं आज कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम मेरे द्वारा संपादित कराया गया, इसके लिए मैं छाकर कांग्रेस को और छापर के वासियों को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता। मैं कांग्रेस पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाकर आपकी आशा और आकांक्षाओं के आधार पर मुझे आपके बीच भेजा है। 25 तारीख को विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, अब मात्र 6 दिन बचे हैं आज के बगैर, इसलिए आप सब स्वयं उम्मीदवार बनके फुसाराम गोदारा कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि बनके कांग्रेस पार्टी के लिए हाथ के निशान पर कांग्रेस के उम्मीदवार गोदारा के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए वोट और सपोर्ट करो और यहां से कांग्रेस को जिताओ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने, ये मैं आह्वान करने के लिए आया हूं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं आपका पहले 20 साल प्रधान रहा, छापर से मेरा पुराना नाता है, 10 साल में 2 चुनाव लड़े, 13 और 18 अपन कामयाब नहीं हो पाए, समय और परिस्थितियों की बात थी, लेकिन मैं 10 साल में भी आप लोगों के सुख दुख में शामिल हुआ, आपके बीच आया, जब भी विपक्ष में रहा हमने कांग्रेस के झंडे के नीचे बीजेपी का विरोध किया, फिर मैं नई दिल्ली चुनाव लड़ा, आपने अच्छा आशीर्वाद दिया, 62,000 वोट दिए, मुख्यमंत्री जी ने तत्काल मुझे कांग्रेस में शामिल कर काम में सक्रिय करने को कहा, उसके बाद मैंने पूरी ताकत के साथ, हालांकि सत्ता में अपनी भागीदारी हारे हुए थे इसलिए अपनी ज्यादा नहीं चल सकी, लेकिन फिर भी मैंने चेष्टा की। मेरे दिल में यह दर्द था कि छापर में आज डिस्पेंसरी है, यहां बीजेपी का राज रहा, मंत्री रहे, अब 5 साल विधायक भी रहे, लेकिन यहां छापर में डिस्पेंसरी के अलावा कोई कुछ नहीं कर पाया,
अशोक गहलोत जी की कृपा हुई। मैंने अशोक जी से कई बार मिलकर निवेदन किया कि सब छापर इस मामले में स्वास्थ्य के मामले बहुत पिछड़ा हुआ है, इसलिए इसमें सीएससी खोली जाए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को, हमारी बात को माना और बजट में आपके CWC CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यह मंजूर किया और जिसकी नींव लग चुकी है, शानदार भवन बाईपास पर बनेगा। स्टाफ हम लगाना चाहे लेकिन पूरे हम कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि हमारी चल भी नहीं रही थी, थोड़ी बहुत चली, हमने डॉक्टर लगाए भी। ये विनोद जी बैठे, मैंने इन्हों कहा था उस टाइम महाराज आए उस टाइम मैंने डॉक्टर लगवाए भी थे लेकिन वो चले गए। हालांकि आज भी कोई डॉक्टर है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन समय परिस्थितियां काम नहीं पकड़ पाई, नहीं तो मैं CSC आज तक बनवा देता। मैंने उस टाइम में दाऊ सर में CSC खोली जाए, पूरा स्टाफ है वहां, 60 डॉक्टर है, पूरा स्टाफ है और वहां बिल्डिंग आधी से ज्यादा बन चुकी, वहां 6 करोड़ रुपए मंजूर कराए थे हमने। तो इसलिए पहला काम ये किया। दूसरी बात, सड़क देखो हम तो चुनाव हार गए, हमें इस बात का दुख है कि मेरे को डेली आपके यहां छापर आना पड़ता है, मेरे खुद को ही परेशानी बहुत होती है। फॉरेस्ट में से रोड रुक गई, किसने रोकी आपको सबको मालूम है, क्यों रुकी ये भी आपको मालूम है, बीजेपी के राज में रुकी, उसमें दिल्ली और जयपुर में राज था, मंत्री जी थे, उसके बाद अभिनेश जी MLA बने, दिल्ली में तो राज था, खुद MLA थे, आपको वादा भी किया, आज तक तो काम नहीं हुआ। मैंने प्रयास किया लेकिन हमारी इसलिए पार नहीं पड़ी कि हमारी चल नहीं रही थी, कोई हम असेंबली में तो विधानसभा में तो जा नहीं रहे थे। इसलिए आपका ये मुद्दा जरूर है, मैं आपको ये भरोसा दिला सकता हूं कि मैं इस सड़क के लिए कांग्रेस का राज है, मैं MLA बना तो ईमानदारी से प्रयास करूंगा कि ये रोड बने, प्रयास करूंगा। कारण ये कि इसमें दो नकुल है, स्टेट तैयार है लेकिन लाइफ वार्ड नई दिल्ली का मामला है, सरकार दिल्ली में है, वहां डटा हुआ पड़ा है। सच्चाई ये है, अभिनेश ये नहीं कह सकते कि मेरे लिए चलती, सेंट्रल गवर्नमेंट में फाइल डटी हुई पड़ी है, हमारी सरकार ने इसको रिकमेंड किया है, नहीं किया क्या? फिर क्या बात करते हो? आज वो कह रहे हम साथ भाई है, बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया है आपके साथ भाई है, तो काम करो लेकिन छापर को तो बख्शो। कह रहे साहब धमकियां दे रहे कार्यकर्ता, अरे हम तो कुत्ते ही पीछे कांगड़ा नहीं फेंकते, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हमारे कार्यकर्ता तो हम तो मान करते हैं, सम्मान करते हैं, वोट धमकाने से थोड़ी मिलते हैं, वोट प्यार से मिलते हैं, दिल से मिलते हैं, नमस्कार और प्रणाम करने से मिलते हैं, झुकने से मिलते हैं। हम इतने मूर्ख थोड़ी है, हमारे कार्यकर्ता इतने मूर्ख थोड़ी है। कैसी अनर्गल प्रचार प्रसार करने की असफल प्रयास है, भगवान मालिक है। तो ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहूंगा कि ये विनोद जी बैठे और रामगण बैठा था साथ में, जिस दिन महाराज आए हुए थे मेरे को ही ले गए, मैंने पेड़ मिनिस्टर से मिला कि नहीं मिला, उसने यश किया कि मैं इसका तो कह नहीं सकता, बाईपास 6 किलोमीटर रोड देवानी वाली में करवा सकता हूं, पैसा नहीं है, मुख्यमंत्री जी करेंगे, मैं भेज दूंगा, CM से मिला मैं। सुनो, बहुत से लोगों ने पोस्टर लगाई, मैंने देखी थी, इतने झूठे थे वो, हदें पार हो गई। 6.5 करोड़ रुपए मैंने मंजूर कराए थे CM से उस रोड का, मैंने पोस्ट लगाई तब तो नहीं काटी उसको इन्होंने, अपने तो लगा दी, मेरे वाली क्यों नहीं काटी? काटते हैं फूसराम जी क्यों लगा रहे हैं? विनोद भंसाली सामने बैठा है, इसके सामने दोनों जगह दोनों नेताओं से मेरी बात हुई है और उसके 1 महीने के अंदर अंदर सेंक्शन आई नहीं आई, स्टार्ट की आई। इसलिए ये रामगढ़ मेरे साथ था, 4-5 आदमी और भी थे इनको बात, इसलिए मैं वो कहता हूं वो करता हूं, नहीं कहता हूं वो मेरे बस का रोग नहीं है। मैं बहुत स्पष्टवादी हूं, मैं 20 साल प्रधान रहा, मेरे को सब मालूम है कौन सा होने वाला है कौन सा नहीं होने वाला है, लेकिन आपकी जो दिल की धड़कनें जिस सही चीज पर चल रही है
उसके लिए जितनी ईमानदारी से प्रयास करूंगा यह भरोसा दिलाना चाहता हूं, लेकिन मुझे भी आप आशीर्वाद देना, आशीर्वाद देना, ठीक है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी राजस्थान का लोकमुख मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत क्या नहीं किया, सरकार ने 100 यूनिट बिजली फ्री करी, आज छापर में 70-80% लोगों के बिल जीरो आता है, नहीं आ रहेगा 500 रुपए में उज्ज्वला योजना होगा, हमें सेंटर दे रहे हैं कि 1150 का जो हमारी सेंटर की राज वाले दिल्ली वाले कह रहे हैं ना उनके 1150 500 हम दे रहे हैं। अगर राज आ गया पुनर में जीता तो आ तो 37 लाख को दे रहे हैं, 1,06,00,000 को देंगे, जिसमें बहुत से लोग आप आ जाओगे ये भी वादा करता हूं। 500-700 रुपये पेंशन नहीं गरीब शहर में भी होते हैं कस्बे में भी होते हैं, 500-700 1,000 रुपये पेंशन कर दी, बूढ़ा बडेरा विकलांग निकड़ पुछड़ 15% हर साल वो बढ़ेगी, कानून बना दिया। नंबर 4 सबसे बड़ा काम किया है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है जिसमें 500 आदमी डेली छापरम काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये इंदिरा गांधी शहरी योजना हमारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान सरकार ने लागू किया शहरी क्षेत्र में, इसलिए उस शख्सियत की आज जयंती है, इंदिरा गांधी की आज जयंती है, मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और हमारे मास्टर भवनलाल मेघवाल जी पूर्व मंत्री जो हम दोनों साथ चले, आज उनकी भी जयंती है, इसलिए दोनों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। अध्यक्ष जी 2 मिनट बाद में यहां पुष्प अर्पित करा देना फोटो मंगा करके। सब लोग आदरणीय नेताओं को क्यों वल्लभ लेडी थी, आज उसको सल्यूट करना बहुत जरूरी है। देखो जिसने देश को संसार के नक्शे में दर्शित किया और बांग्लादेश जैसा देश बना करके संसार में देश बढ़ाया उस शख्सियत ने, मास्टर भवनलाल विकास पुरुष रहे, हम 25 साल साथ चले दोनों, अच्छा इस क्षेत्र में काम किया। मैं अभी एक बात और कहना चाहता हूं, इसके अलावा गेहूं के साथ फूड किट देते हैं, अभी प्रधान जी कह रहे थे कि हो दियाली लेता बड़ो किट को मिलते लेता था जोर आतो, मुख्यमंत्री ऐसे हो गए सरकार दे रही है। इसके अलावा लंबी में हमारे किसान की गाय मरी, हमने 40,000 रुपए दी जो रिकॉर्ड पर थे। अब मैं इसके अलावा एक बात और कह देना चाहता हूं, हमारी सरकार आई और हम चुनाव जीते, 6 महीने में 7 गारंटी लागू करेंगे, ये मैं वादा करके जाता हूं हमारी सरकार का एजेंडा है। हर घर की महिला मुखिया, हर घर की, कोई जाति बिरादरी का है, कोई गरीब है दलित है मजदूर है किसान है सेठ है साहूकार है, मुखिया महिला को 10,000 रुपये हर साल खाते में डाला सीधा सरकार के खराज कोष के बाद। हमारे लड़के जो युवा है कॉलेज में फर्स्ट ईयर में प्रथम साल में जो एडमिशन ले ला माने लैपटॉप कंप्यूटर एक साल फ्री देना, वो भी धर्म वादों करा प्रथम साल हर साल। नंबर 3 आगजनी हो जाती है, डानी जल गई, किसी का घर जल गया, किसी फसल जल गई, किसी फसल खराब हो गई, किसी दुकान में मार्केट में आग लग गई, लाखों रुपए से दुकान नुकसान होता है, सरकार 2-5,000 रुपए देती। सरकार आई 15 लाख तक की बीमा की गारंटी और 15 लाख रुपए उसको मुआवजा देंगे, ये वादा करते हैं 15 लाख तक का जो असेसमेंट हो किया आएगा, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख लास्ट 15 लाख। नंबर 4 इंग्लिश शिक्षा की गारंटी दे रही, भले ही हमें वार्डो में स्कूलें खोलनी पड़े गांव में स्कूल खोलने पड़े, हम हमारे बच्चों को सेकेंडरी तक इंग्लिश शिक्षा पढ़ाने की गारंटी दे रहे हैं। क्यों? आज कंप्यूटर आईटी का जमाना है, आज हम एमए एलएलबी है लेकिन कंप्यूटर मणपुट बनाड़ा बैठा, क्यों? इसलिए इंग्लिश जरूरी हो गई, ये वादा करते हैं आपसे। हमारे जो भी कर्मचारी भाई है सबको हमारी सरकार ने हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने
ओपीएस दिया है, ओपीएस है मतलब 2004 के बाद लागोड़ा जगह लोग आ मास्टर पटवारी गिरदार सरकारी उनकी पेंशन शुरू की, बीजेपी ने बंद कर दी थी। हमने शुरू किए, हमारे अशोक गहलोत ने शुरू किए, उसके लिए राज आ गए तो कानून बना देंगे ताकि कोई छेड़े नहीं है। ये आपसे वादा करते हैं, कर्मचारी भाइयों से आह्वान करते हैं कि हमारे पास आशीर्वाद बनाए रखना, उनके परिवार वो भी कहना चाहते हैं। ये सब चीजें ये गारंटी है हमारी सरकार की, हमारी गारंटी है साथ, हम उसको लागू करेंगे। सरकार आई हम जीते तो ये 6 महीने के अंदर लागू करा देंगे। दोस्तों और बुजुर्गों, ये कस्बा है, विकास की धारा में जुड़ नहीं पाया। हम इस कस्बे के लिए जो आपकी जल समस्या होगी उसको दूर करेंगे, मौका मिल गया तो, क्योंकि छापर हमारा घर का गांव है। बड़ा हाथ जोड़ निवेदन है, घर वाले निकल जाए, दो चुनावड़ा हार गया अध्यक्ष समझ लियो, रोजी न रहे फार गोल बढ़िया करे, रोजी न रहे किसान को बैठो थामा उठ के गेड़ो हूं। इसलिए दो दो चुनाव लड़ दिया, तीसरा चुनावड़ो है, कांग्रेस टिकट दिए, कांग्रेस ने मन आशीर्वाद दे दो, जब मैं भी ठारो आलो डोलियो करबो करो 5 साल और थांगो भी ताकत हो काम करो और विकास की बात करो। मेरे को आप जानते हो, मैं थारो 20 साल प्रधान रही हो तो थे मारकन आता, 10 साल में हार गई थे मेरकन आया, मैं 36 कौम के लोगों ने पूरा मान सम्मान रखियो, कोई जाति बिरादरी की बात मैंने कही है तो आप बता सकते हो। 36 कौम को साथ लेके चलने वाला आदमी हूं, मेरे घर आया पहले मैंने उसका काम किया, फिर उसको पूछा, उसका सम्मान किया, इसलिए मेरे दरवाजे मेरे घर के दरवाजे खुले मिले, मेरा मोबाइल आपको खुला मिला, कोई फोन करके देख लिया आज 30 साल में। आगे वादा करता हूं कि मेरे घर के दरवाजे और मेरा मोबाइल आपको हर समस्या के समाधान के लिए खुला मिलेगा, ये आपसे वादा करता हूं। छापर की जो समस्या है मूलभूत वो सड़क की है, देखो आज सड़क तो मरता पड़ता बड़ा ही दिशा बारली, तो मान ली को मामलो है, इन पक्की अटंगी लगाऊं, चिंता ना करो थे, पक्की अटंगी लगाऊं, जति मारू लाख से नहीं सीढ़ी, स्टेट टाइम की सड़क है, गंगा सिंह जी का रास्ता उस टाइम का रास्ता खटा हुआ है। अब मैं क्या बताऊं इन्होंने क्या लिख के दिया है, क्या इसको खारिज कर दो और उसको ये कर दो, एरोर के मैं रोड बना दू, कहां से बना देंगे, कहां से बना देंगे, ये तो आप खारिज करके रकबा ही मिला रहे हो फॉरेस्ट में, तो ऊपर थोड़ी बना दोगे। फिर कह रहे हम यहां घूम रहे रात और दिन के, यहां खाना खा रहे हैं या सो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मान है सम्मान है। कहने का मकसद एक देले का काम नहीं किया हमारे माननीय विधायक जी ने, इस बार बीजेपी की सरकार ने, बीजेपी के राज में अभी कह रहे थे विनोद जी कह रहे थे नोट बदलिया, लोग फीसा में पानी निकल गया नोट बदला जाते, कौन निकल गया जी नोट बदला निकल गया, नहीं 3-3 हजार था, ये प्याऊ प्याऊ करता आप, जबकि रुपया अपना कमा उड़ा आया, एक काम तो बीजेपी ओ करियो, क्या हालत हुई, रुपया भी आजटे चले गया, माल मलाने फूल और जे बोलो गोपाल की गिर हुआ, तू कापा पाल लिया फूतरो को नहीं, क्या कालो धन काटा, कालो धन कौन काटा भाई, कालो धन ने दौड़ो करा। नंबर 2, महंगाई हटाओ मोदी लाओ, लिया या तेरे में, मैं भी चिप गया अभी मामले में, भुगतान आज दिन एमएलए बनता नहीं तो थाने सड़क सड़क को निकलना पड़ता, प्याऊ प्याऊ फुसाराम गोदारा हो तो नहीं एमएलए तेराम, लेकिन मैं ही मोदी जी भी चपेट मांगी, मोदी जी उठा तब पड़ी हो था फिर ठाक होने हो तो आने की तीरंदाज बोली 15 लाख आई सीधाई भी चक्कर में, और भाईओ मन लिख दिए खाद्य सुरक्षा में जोड़न था राशन कार्ड, खाद्य सुरक्षा मिलता लेकिन टुकड़ा कर लिया, अद मिले राधा गियो तो कागजों करानो गड़ो उड़ा गई, गया तो आगे 2 जगह लिया एक जगह आ कर दिया, आने के 2 जगह खाते में रुपया आई, रुपया आया को नहीं दड़ा मिलना बंद हो गया, लेकिन फिर भी हम राशन को इसको फूड खाद्य में गरीब लोगों को खाद्य सुरक्षा में जोड़ने की कार्रवाई करेंगे, आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं।
महंगाई 65 रुपया डीजल हो जो लेगा 97-95 पेट्रोल 80-85 और लेगा 110-112 आ तो महंगाई दूर करिए। सिलेंडर 4-450 से मिल दो माड़े राज में, अब 1250 मिले इसलिए आज जोड़ो कहू है क्या भाई बीजेपी जगह को दिल पलटे है कांग्रेस तीन मारता ही जुड़ी है। मैं भगवत गुरु स्वागत कांग्रेस के मर्दान कार्यकर्ताओं को देता हूं धन्यवाद कि आप जगह बने तो आप जगह बनाना, मैं आपका हूं आप मेरे हो। जो मेरे साथ आशीर्वाद देने के लिए आ रहा है उसका भी बहुत बड़ा मेरी तरफ से और मेरी कांग्रेस पार्टी से बहुत बड़ा सम्मान है, क्यों कि वो फैसला करके आया है कि न्याय और विकास इधर है। इसलिए डिंगे को भटकेड़ो देना चाहे गराजा तो कोई बात नहीं, इसलिए आप सब लोगों को निवेदन करना चाहूं मैं थारो कार्यकर्ता हूं, मैं आपका आदमी हूं। अभी हमारा अध्यक्ष बानी कह रहा था कि हमारे क्षेत्र की आपके क्षेत्र का कंपटीशन करो, तो अब यह है कि मन सब रखे रतनगढ़ा के बैठा थाना किया है, अब मन से ठीक लग गया ठीक हो नहीं हाथ खड़ा कर मैंने विश्वास दिया आपकी बात, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी इसलिए शानदार तरीके से आप लोग चुनाव जिताना, छापर से बैठा मैंने अब की बार आगे रख लीजिए और थे हाथ खड़े होकर मैंने विश्वास दिलाओ एक बार ऐसे खाद खड़ा करो एक वो चौधरी मातो कुछ है बहुत ही आवाज छाड़ो इसलिए मथारो थे मराओ ईमानदारी छापर को मान सम्मान शानदार हॉस्पिटल बनवाएंगे शानदार राज रुपया दे रही है 5-6 करोड़ और पूरा स्टाफ लगा और छापर की व्यवस्था स्वास्थ्य की छापर में करा ला और जो मुख्यमंत्री जी ने 25 लाख रुपया में आज 25 लाख रुपया में जो इलाज फ्री करियो है रुपयो लगे को ऑपरेशन फ्री हुए सुन लो उसका हम लोग 50 लाख करेंगे ताकि हमारा कोई गरीब दलित मजदूर किसान दुख नहीं पावे। और मैं अभी कहनी चाहूं कि थे मारे लिए 25 तारीख को सुबह 7 बजे हूं लगा शाम को 6 बजे तक और आज 7 दिन फुसाराम गोदारा कांग्रेस बन काम कर लीजियो। मैं थारे आज सुबह के प्रभात फेरी में कह रही हूं कि थे मारा और मैं थको हूं थे मारे लिए 5 में थारे लिए कांग्रेस के लिए मेरे लिए 1 दिन भाग लीजियो वोट कराई है मैं वोट में दिन पेटी पर लाओ ना नहीं सगड़ा बेटा बड़ा नेता हमारे कार्यकर्ता जरा वोट को 3 नंबर पर निशान है हाथ को निशान है फूसाराम गोदारा लिखोड़ो यार फोटो अलग उड़ी बे पर बटन दबाई जो वो पी बोले लो नहीं वो ही वोट गिरी जे लो इसलिए अधिकतम वोट डला और 25 तारीख को मेरे लिए कांग्रेस लिए 1 दिन भाग लीजियो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 5 साल था सेवक बनकर काम करूंगा वादा करता हूं विश्वास दिलाता हूं आप इसी ऐसा विश्वास के साथ बड़ी संख्या में आज कार्यालय उद्घाटन में पधारे मेरे और मेरे साथियों को जबरदस्त स्वागत और सम्मान कियो और अच्छो चुनाव में साथ देने को विश्वास दिलाओ सगड़ा कार्यकर्ता पूरी हजारों की तादाद में हार इसलिए मैं थाने धन्यवाद दू और मैं थारो ईमानदारी थे मारा और मैं थारो काम कर सिया इसी ऐसा विश्वास के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत जय कांग्रेस। साथियों गोदारा जी को हमने आश्वासन दिया है पिछले 30 साल हमने देख लिए और इस बार एक मौका देख के इनको अपने को विजय करके भेजना है क्योंकि आज स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जयंती है और मास्टर मोहनलाल जी हमारे मंत्री जी की भी जयंती है। मैं गोदारा जी से और सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। इसके बाद खारियाकुआ के पास हमारी कार्यालय का उद्घाटन होगा इसलिए सारे कार्यकर्ता वहां भी पहुंचेंगे और
हमारे नगर अध्यक्ष भाई रामकरण, हमारे पार्षद प्रतिनिधि वीरेन खान, भाई हंसराज और आजम खान, और हमारे पार्षद सत्यनारायण जी स्वामी के नेतृत्व में सबके सानिध्य में शाम को 5 बजे से डोर टू डोर कार्यक्रम चलता है। ये पिछले कई दिनों से चल रहा है, इस वजह से भी हमारे कार्यकर्ताओं में जोश और चेतना आई है। तो हमें खारिया कुएं के पास उद्घाटन के बाद शाम को 5 बजे सभी कार्यकर्ताओं को भी हमें डोर टू डोर के लिए एक जगह एकत्रित होना है, और यहीं से हम वार्डों में जाएंगे। और हम सब यहां से संकल्प लेके जाएंगे कि पिछले, मैं नारा लगाऊंगा, इंदिरा गांधी अमर रहे अमर रहे, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, मास्टर भवनलाल, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, पूषा राम गोदारा, काम किया दिल से कांग्रेस सरकार फिर से। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी पधारे, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत पुनः करते हुए हम फिर 25 तारीख तक हम मिलते रहेंगे। जनभावना जनमानस को हमें कांग्रेस की तरफ प्रेरित करते रहना है। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस।